वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग अजय, अंकिता, मीरा, वनिश्री, आकांक्षा, कहकशा. चलो एक बार सारे कंफर्म कर दो मैं प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल टू एवरी वन. प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल आई गेस इट्स फाइन फ्रॉम माई एंड. गुड मॉर्निंग खलिल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. ओके वॉइस लो है. नहीं यार वॉइस तो लो नहीं है. इज माई वॉइस फाइन टू अदर्स? मैंने अभी यहाँ पे सेशन लिया है क्योंकि सो आई डोंट थिंक वॉइस लो होनी चाहिए. ओके कहकशा ओके आई विल हेल्प यू आउट डियर स्टूडेंट्स. जस्ट गिव मी टू मिनट्स. देखो व्हाट यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लो एक बार सिलेबस को प्रॉपरली. आवाज गूंज रही है. ओके जस्ट जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड. चलो अभी ठीक है. अभी ठीक है. गुड मॉर्निंग चेतन. ओके ओके सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द प्रॉपर सिलेबस. उसको अच्छे से आप देखो एनालाइज करो आपको क्या क्या चीजें आती है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए सेट एग्जाम के बारे में तो सेट एक आपका ऐसा एग्जाम है स्टूडेंट जहाँ पे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज एवरीथिंग टू रिकॉल एवरीथिंग. अब हर टॉपिक में हर यूनिट के अंदर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं सेल बायोलॉजी से बात करूँ तो सेल साइकिल से कन्फर्म क्वेश्चन रहता है. तो ऐसे हर टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए. और कहकशा जस्ट विजिट अवर वेबसाइट ifsonline.com और वहाँ पर आपको पेपर एनालिसिस मिल जाएगा. ठीक है सिलेबस सेम है. सीएसआर का सेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. एनालिसिस जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. मैं एनालिसिस लेके नहीं आई हूँ आपको टैबुलर फॉर्म में प्रॉपर मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर. इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वेबसाइट टूर फॉर यू. ठीक है मैं एक वेबसाइट का टूर आप लोगों के लिए बना दूंगी कि एग्जैक्टली आप लोगों को एनालिसिस कहाँ से देखना है. इफ़ पॉसिबल आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू कि जिसमें किस यूनिट से कौन सा पार्ट कर लो तो सेट एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो हम कर सकते हैं. बट अभी इस लेक्चर में तो मेरे पास वो चीज़ नहीं है. बट कहकशा आई डोंट वरी इफ पॉसिबल आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरी तरफ से. ठीक है लेट्स स्टार्ट विद दी टूडेज टॉपिक. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सेल मेमोरी. ठीक है आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल मेमोरी और सेल मेमोरी का जो पार्ट टू है इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम क्या क्या बात करेंगे? तो भाई मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम लोग सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है. ट्रांसपोर्ट मेनली दो टाइप से पढ़ते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि आप एटीपी को यूज़ कर रहे हो या आप एटीपी को यूज़ नहीं कर रहे हो. सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है वो सारा हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सारे पम्प्स आपके रिकॉल हो जाएंगे हमारे आज के लेक्चर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. अब अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो इसमें हम बात क्या करते हैं? तो आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी हमारे छोटे छोटे सब्सटेंसेस है ये एक मेम्ब्रेन से किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है जो भी हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है अगर हमारे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ से कोई मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव हो सकता है? अगर वो मॉलिक्यूल एक गैशियस मॉलिक्यूल है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, कोई आयन है, कोई ग्लूकोज है, क्या है, तो हर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा अलग अलग तरीके से रहने वाला है. ठीक है अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट दी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो एक होता है बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ पे हमको एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक्टिव में हमको एटीपी की ज़रूरत पड़ने वाली है. अगर एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी लग रहा है. और अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है इसका मतलब कोई तो भी चीज़ यहाँ पे अनफेवरेबल है. यहाँ पे मूवमेंट होता है हमारा अगेंस्ट द ग्रेडियंट. ठीक है अगर हम बात करते हैं पैसिव की, पैसिव में वी डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी
और अगर हमको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ये होता है अलोंग दी ग्रेडियंट, तो ये अलोंग अगेंस्ट एटीपी नो एटीपी ये वाला पॉइंट तो आई थिंक आप लोगों को बेसिक चीजें इतनी पता होती है। अब अगर हम बात करते हैं मूवमेंट का, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं थोड़ी देर पहले। क्या क्या बताया मैंने आपको? मूवमेंट होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, एंड एटीपी यूज होता है इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और मूवमेंट होता है अलोंग द ग्रेडियंट विदाउट एनर्जी, मतलब विदाउट एनी एटीपी इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेन उसको हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली मॉलिक्यूल्स हमारे मूव हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारा मूव हो रहा है मेम्ब्रेन से, ओके। यहाँ पे सिंपल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है सिंपली मेम्ब्रेन से। बट वही अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट के लिए भी हमको कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड, यहाँ पे हमारे फिर आते हैं कैरियर प्रोटीन्स आते हैं, चैनल प्रोटीन्स आते हैं, ऐसे हम लोगों को अलग अलग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर? अलोंग द ग्रेडियंट नो एनर्जी रिक्वायर्ड पैसिव, अगेंस्ट द ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एनर्जी इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और पैसिव में हमने देखा है कि सिंपल का मतलब होता है मेम्ब्रेन से ही चले जाना, फैसिलिटेट का मतलब होता है कि वहां पे प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसफर करवाना। क्लियर दिस पार्ट? आई थिंक इतनी बात आपको समझ में अभी तक आ गई होगी। अब फैसिलिटेट में भी देखो, एक है आपका चैनल प्रोटीन और एक होता है बच्चों कैरियर प्रोटीन। क्या डिफरेंस होता है चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में? तो अगर हम बात करते हैं चैनल प्रोटीन, तो चैनल हमेशा ओपन और क्लोज होता है। चैनल जो है सिंपली ओपन होगा, वहां से आयन या मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, और क्लोज हो जाएगा जिससे वो बंद हो चुका है। बट अगर हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन्स की, तो यहाँ पे देखा जाता है देयर इज ई1 एंड ई2 कन्फर्मेशंस। कैरियर में क्या होता है, तो एक होता है ई1 कन्फर्मेशन, एक होता है ई2 कन्फर्मेशन। एक कन्फर्मेशन में क्या होता है, तो मॉलिक्यूल हमारे प्रोटीन को या फिर हमारे कैरियर प्रोटीन को अटैच होता है। फिर आता है सेकेंड कन्फर्मेशन, जिसमें वो दूसरे एंड में ओपन अप होकर वहां से हमारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। सो इफ वी टॉक अबाउट दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं बच्चों, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। चैनल का सिंपली होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं उसको पहले मॉलिक्यूल अटैच होता है, फिर उसमें आता है कन्फर्मेशनल चेंज, और फिर वहां से मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द सेकेंड साइड। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें आता है आपका सिंपल डिफ्यूजन और यहाँ पे आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल में क्या होने वाला है, तो जितने भी हमारे स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये डायरेक्टली लिपिड लेयर से ही मूव होने वाले हैं। ये सिंपली हमारे लिपिड बायलेयर से ही मूव होते हैं, जैसे कि गैशियस काम पढ़ेंगे एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सिंपली मेम्ब्रेन से अपने आप मूव हो जाते हैं। बट वहीं अगर हम बात करते हैं आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे फैसिलिटेशन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि अगर लार्ज मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो सारे आएंगे आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। यस यस, चैनल में नहीं, हाँ कैरियर प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टर्स बोलेंगे ना, कैरियर प्रोटीन्स में आएगा। चैनल्स में फिर आता है आपका अलग क्लासिफिकेशन, वोल्टेज गेटेड चैनल है, लिगैंड गेटेड चैनल है, वो आपके सारे आएंगे अंडर दिस चैनल। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, देर विल बी मूवमेंट ऑफ लार्जर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दे विल बी रिक्वायरिंग फैसिलिटेशन। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में भी हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी को डायरेक्टली यूज करता है हमारा चैनल प्रोटीन। यहाँ पे क्या होने वाला है, एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, कोई ग्रेडियंट के फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, तो ये कहलाता है बच्चों प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है, उसके काम करने से एक ग्रेडियंट बनता है, और उस ग्रेडियंट की वजह से हमारा एक और ट्रांसपोर्ट काम करता है,
ऐसे ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो वी कैन से दैट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये किस पे डिपेंड होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हियर. ठीक है, ये सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं ऑन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. आई एम सो सॉरी. ओके ओके ओके. ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर सभी को? सो दिस इज अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. अब सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वेरी गुड मॉर्निंग चंद्रमा, कोमल, विवेक, फैजल, पीहू, क्रिस्टल, क्लियर? चलो परफेक्ट. ओके चलिए जी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये तो पहले तो ये फेवरेबल है. यहाँ पे अलोंग द ग्रेडियंट है, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड हियर. और ये जिस जिस टाइप का डिफ्यूजन परफॉर्म करता है, एक कहलाता है बच्चों नॉर्मल डिफ्यूजन एंड वन टाइप इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो ये दोनों टाइप्स किसके हैं? ये दोनों एग्जांपल्स किस में आएंगे? आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के. सो सिंपल डिफ्यूजन में हम लोगों को तीन चीज़ें डिस्कस करनी है अभी. एक होता है सिंपल डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन से होगा, फिर होता है आपका फैसिलिटेटेड जिसमें आपके आते हैं चैनल प्रोटीन्स और आते हैं कैरियर प्रोटीन्स. ठीक है, सो सिंपल में क्या होने वाला है? जब जिस तरफ में है हाई कंसेंट्रेशन वहां से मॉलिक्यूल्स हमारा मूव होना स्टार्ट होते हैं. और मूवमेंट कब आके रुक जाएगा? तो जब अचीव हो जाएगा इक्विलिब्रियम. मींस अगर दोनों तरफ में इक्वल कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है तो अब वहां पे स्टेबिलिटी आ जाएगी. दिस डज नॉट मीन कि मूवमेंट अभी भी नहीं होगा आयंस का. मूवमेंट अभी भी हो सकता है, पर अब क्या हो जाएगा? अगर एक मॉलिक्यूल अंदर आए तो तुरंत एक मॉलिक्यूल बाहर भी रिलीज होगा. ऐसा नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम आ गया तो मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड. नो, मूवमेंट अभी भी होगा, बट कैसे मूवमेंट होगा? अगर एक आयन आएगा तो दूसरा तुरंत बाहर चला जाएगा. दैट काइंड ऑफ मूवमेंट विल बी देयर. बट यस, इन बोथ द साइड्स एग्जैक्टली वी कैन से 50% 50% का जो रेशियो है वो दोनों तरफ में इक्वल अभी मेंटेन करके रखा जा सकता है. ओके, मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही है क्या? कभी कम आ रही है, कभी गूंज रही है. आई थिंक नाउ इट्स फाइन ना बाबा, भाई कंफर्म कर देना बाकी लोग भी. ओके, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सिंपल डिफ्यूजन की, तो ये सबसे एक स्लो प्रोसेस रहती है. ये हमारी बिल्कुल स्लो प्रोसेस है. डिफ्यूजन का जो रेट रहता है ये बहुत कम है. इट इज ओनली 10 to 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड. ये मूवमेंट होता है थ्रू दी लिपिड बायलेयर. यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिपिड के लेयर से मूवमेंट देखने को मिल रहा है. यहाँ पे यूज होते हैं गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इन गैसेस को यूज किया, इन गैसेस के ट्रांसपोर्ट में काम आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन. उसके अलावा जो भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स है, अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी डायरेक्टली मेम्ब्रेन से ही मूव हो सकते हैं. उसके अलावा स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर है, यूरिया है, इथेनॉल है, ये भी हमारे मूव हो सकते हैं सिंपली मेम्ब्रेन के थ्रू. तो ये एग्जांपल्स याद रख लेना कि ये सारे हमारे वो बायो मॉलिक्यूल्स है, दे मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन. दे विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फैसिलिटेशन, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपली बिल्कुल मूव हो सकते हैं. नहीं तीर्थ अब तक नहीं हुआ है, बट ओके वी कैन प्लान समथिंग. देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन कैसे काम करता है बच्चों? तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, तो एग्जांपल के तौर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे लंग्स के अंदर में जो एल्वियोलाई सेल्स है वहाँ पे किस तरीके से होता है गैशियस का एक्सचेंज. ओके, देन रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास सपोज तीन मेम्ब्रेन्स हैं, एक तरफ क्या है, तो एक तरफ में 10 है सपोज, ऐसा मान के चलो. यहाँ पे 100 है, इस तरफ 10 है. यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स है, इस तरफ 10 है. यहाँ पे 10,000 मॉलिक्यूल्स है और एक तरफ में 10 है. हाईएस्ट मूवमेंट कहाँ पे रहेगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का. ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का, सो वही बोला गया है कि रेट ऑफ मूवमेंट फास्ट होना है, स्लो होना है, क्या होना है, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है,
नाउ दिस इज द एल्विओलाई सेल्स। अब आप लोगों को थोड़ा सा अगर हार्ट का डायग्राम याद है तो हार्ट के डायग्राम में हम लोग ये बात बोलते हैं ना कि क्या होता है बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं हार्ट की, अब देखो हार्ट ऐसे नहीं होता है, पर चलो हार्ट से क्या होता है, हार्ट से जाता है हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो ये बहुत ही गलत है ना हमारे हिसाब से, हमें ऐसा नहीं ड्रॉ करना चाहिए, हम लोग पूरे ड्रॉ करेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वो सारी चीज़ें क्या होता है, तो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, इट विल एंटर लाइक दिस, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वो जाता है हमारे लंग्स तक, और लंग्स में जाता है हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर लंग्स में होता है गैशियस एक्सचेंज, और फिर वापस से आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यह आता है आपके फिर इस ऑरिकल में, और फिर ये जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है फिर ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीज़ें लंग्स में हो रही है उस बात को हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है। सो ये एक हमारा ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल कहाँ से आया है, तो ब्लड वेसल हमारे हार्ट से आया है। अब हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, दैट ब्लड इज व्हाट, दैट ब्लड इज ऑक्सीजन डिप्लीटेड, या फिर उसको हम बोल सकते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहां से आया है स्टूडेंट्स हमारा ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम बोल रहे हैं कि ब्लड हमारा है डी ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो भी आरबीसीज प्रेजेंट है, वहां पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उस हीमोग्लोबिन में, उस ब्लड में क्या आप मानते हो कि वहां पे CO2 का लेवल हाई रहेगा और ऑक्सीजन का लेवल लेस रहेगा। डू यू ऑल अग्री कि जो ब्लड हमारा आ रहा है हार्ट से, उस ब्लड में क्या है, CO2 का लेवल हाई है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, और जब हम इनहेल करते हैं फ्रेश एयर तो हमारे एल्वियोलाई में क्या कंडीशन रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल हाई रहेगा और यहाँ पे CO2 का लेवल लेस रहेगा। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, तो यहाँ पे ये होगा बच्चों कि जो ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल में CO2 हाई है, बाहर CO2 कम है, तो क्या हो जाएगा, CO2 हमारा सिंपल डिफ्यूजन से चला जाएगा इन दी एल्वियोलाई। और वही अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ज्यादा है हमारे इस एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन कम है हमारे ब्लड वेसल में, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो इजीली हमारे ब्लड वेसल में आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है बच्चों यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज। सो व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, सो अल्टीमेटली हमारा ब्लड जब आगे 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 ट्रैवल करता है, सो नाउ द ब्लड इज कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भी एंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर, और फिर वो बाकी बॉडी पार्ट्स तक इजीली डिसोसिएट होते रहेगा। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे सिंपली हो रहा है गैशियस एक्सचेंज, इस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो कन्वर्ट होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, बिकॉज इसी से हमारे बॉडी में सारा का सारा ऑक्सीजनेशन किया जा रहा है। क्लियर, ओके, चलिए जी, परफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली वाटर के केस में। ठीक है, देखो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म है, बट डिफ्यूजन की जब बात आती है ना तो वो आप लोग एक जनरल तरीके से बोलते हो, ऑस्मोसिस की जब बात आती है तो हमेशा हम इसको फिर वाटर के पर्सपेक्टिव से ही बोलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सीमा, इसको हम लोग हमेशा वाटर के पर्सपेक्टिव से ही बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन वाया अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक होता है बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ से वाटर का हमारा मूवमेंट देखा जाता है। टोनिसिटी होती है, एक वाटर में कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, वाटर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसके हिसाब से तीन टाइप के सॉल्वेंट्स हमारे डिफाइन होते हैं। किस टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं बच्चों, तो एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। अच्छा मुझे इतना बता दो कि एंडो ऑस्मोसिस कहाँ पे होगा और एक्सो ऑस्मोसिस कहाँ पे होगा, हाइपरटोनिक में कि हाइपोटोनिक में, मुझे बस इतना बता दो कि कहाँ पे होता है एंडो ऑस्मोसिस, कहाँ पे होता है एक्सो ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक में सोल्यूट लो है, वाटर हाई है, इतना बता दो। एंडो ऑस्मोसिस कहाँ पे होगा, एक्सो ऑस्मोसिस कहाँ पे होगा, स्वेलिंग श्रिंक कहाँ कहाँ पे होगा, है ना, इन टर्म्स से बताया तो भी चलेगा।
स्वेलिंग, अगर आपने किशमिश ऐड किया है इसके अंदर, रेजन्स ऐड किए, तो स्वेलिंग कहाँ पे होगा और श्रिंकिंग कहाँ पे होगा? हाँ जी, एंडोस्मोसिस, हाइपोटोनिक, सही है। हाइपो इज एंडोस्मोसिस, गुड। सो हाइपो का मतलब क्या है? तो यहाँ पे होने वाला है एंडोस्मोसिस, और हाइपर में क्या है बच्चों? तो यहाँ पे होने वाला है एक्सोस्मोसिस, है ना। तो वहां पे होता है, यहाँ पे होगा स्वेलिंग और यहाँ पे होगा सेल हमारा श्रिंक। श्रिंक क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल हमारा श्रिंक। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं हमारे इस ऑस्मोसिस की भी, हम बोलते हैं ना, एक स्कूल में एक लाइन पढ़ते थे, ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी एविल। क्या होता है? तो कॉन्स्टेंटली ट्रांसपीरेशन से क्या हो रहा है? तो वाटर लूज करता है एक प्लांट उसके लीव्स से, ट्रांसपीरेशन से कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होता रहता है लीव से। तो वो वाटर कहाँ से आ रहा है? तो जो रूट हेयर्स रहते हैं वहाँ से सारा का सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब वाटर एब्जॉर्ब होता है स्टूडेंट्स, उस टाइम पे काफ़ी सारे मिनरल्स, काफ़ी सारे आयंस भी सोइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है और लॉस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रही है बच्चों कि रूट हेयर है, यहाँ से पानी को लिया जा रहा है। सॉइल आउटसाइड द रूट इज हाइपोटोनिक, और अगर हाइपोटोनिक है तो यहाँ पे फिर होगा आपका पानी जो है वह अंदर लिया जाएगा, एंड वाटर इज कॉन्स्टेंटली पास्ड वाया द जाइलम। सो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन में दो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है आपका गैसेस एक्सचेंज जो एल्वियोलाई में हो रहा है, और एक होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ प्लांट्स। नहीं रियांशी, पोलिटिकल साइंस तो नहीं होता है बच्चे। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी पॉइंट, चलो क्लियर यहाँ तक की बातें। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब बात करते हैं आगे की अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या चीजें होने वाली है? तो यहाँ पे थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, है ना। ये मेम्ब्रेन से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हालांकि ग्रेडियंट के साथ ही जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अलॉन्ग द ग्रेडियंट, पर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोटीन्स को, कुछ चैनल्स को, कुछ ट्रांसपोर्टर्स को यूज करने वाले हैं। दिस इज अ कंपेरेटिवली फास्टर प्रोसेस, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे काफी स्पीड से चलता है हमारा ये प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स होता है थ्रू दी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे, वो चैनल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो कैरियर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, ये सारे के सारे पोलार होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। देखो, नॉन पोलार एंड स्मॉल साइज पोलार मूव हो सकते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, बट लार्ज साइज एंड पोलार मॉलिक्यूल्स ये कहाँ से होने वाले? तो ये आपके पास होते हैं ओनली बाय दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही। ओके, नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन अ चैनल प्रोटीन एंड अ कैरियर प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं चैनल प्रोटीन, तो चैनल में क्या होता है? यहाँ पे उनकी पोजिशन फिक्स रहती है। यहाँ पे क्या होगा? चैनल हमारा ओपन होगा, सोल्यूट्स वहां से सिंपली डिफ्यूज हो जाएंगे और फिर चैनल क्लोज हो जाएगा। ये सबसे फास्टेस्ट होता है आयन चैनल। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जिससे हाईएस्ट और फास्टेस्ट ट्रांसफर होगा, तो याद रखना है बच्चों, क्या बताओगे? चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन से सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन देखने को मिलता है। दे डू नॉट बाइंड विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके ट्रांसपोर्टर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आते हैं हमारे कैरियर प्रोटीन्स। यहाँ पे फ्लिप होता है, मतलब यहाँ पे आपका E1 और E2 कन्फर्मेशंस देखने को मिलते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बाउंड होते हैं एक साइड से, फिर उनमें आता है कन्फर्मेशनल चेंज और फिर मॉलिक्यूल्स को दूसरे साइड में रिलीज करते हैं। ये काम करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स। इनका जो ट्रांसपोर्ट रेट है कंपेरेटिवली लो रहने वाला है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे आता है बच्चों ऑल्टरनेटिव कन्फर्मेशन, यहाँ पे E1 E2 कन्फर्मेशन आते हैं। तो चैनल में ट्रांसपोर्टर में क्या डिफरेंस है? चैनल सिंपली ओपन होगा, मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे एंड क्लोज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर में दो कन्फर्मेशन चेंज रहते हैं,
एक साइड से पहले मॉलिक्यूल बाइंड होता है, फिर प्रोटीन में आता है चेंज, फिर वो दूसरी साइड में ओपन अप होगा और फिर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज होता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंसेस पहले तो याद रखने हैं अबाउट बिटवीन दी चैनल एंड दी ट्रांसपोर्टर। इज दिस क्लियर? मेरी साउंड गूंज रही है? अभी तो नहीं गूंज रही है, तब गूंज रही थी, अभी नहीं हो रही है बच्चे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी आयन चैनल्स। अभी हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द आयन चैनल्स। आयन चैनल्स सबसे रैपिड मूवमेंट होता है। आयन चैनल्स हमेशा एम्बेडेड रहते हैं बच्चों लिपिड के लेयर के अंदर। ये सिलेक्टिव होते हैं। अगर ये एक चैनल है सोडियम का, तो वहाँ से सोडियम ही मूव होगा, वहाँ से पोटाशियम कैल्शियम कोई और आयन मूव नहीं हो सकता है। दीज चैनल्स दे आर वेरी मच सिलेक्टिव, वहाँ से सिलेक्टेड कुछ मॉलिक्यूल्स ही हमारे मूव हो सकते हैं। आयन चैनल्स को दो टाइप से पढ़ते हैं हम, एक होता है गेटेड आयन चैनल, एक होता है ओपन गेटेड आयन चैनल। तो ओपन गेटेड में एक ही एग्जाम्पल आता है हमारा पोटाशियम चैनल का, उसको लीकी चैनल भी बोला जाता है। और गेटेड में फिर हम लोगों को और तीन टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से तीन टाइप हैं? तो एक होता है लिगैंड गेटेड, दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड और तीसरा होता है मैकेनिकल गेटेड। सो इफ वी टॉक अबाउट द आयन चैनल्स, गेटेड आयन चैनल्स, तो तीन टाइप के गेट्स हो सकते हैं इसको। लिगैंड गेटेड हो सकता है, वोल्टेज गेटेड हो सकता है और मैकेनिकल गेटेड भी हो सकता है। यस, दिस इज द फास्टेस्ट, ट्रू। ओके, चलिए। सो यस, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ गेटेड आयन चैनल्स। अब पहले हम थोड़ा सा सिंपल वाला पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग नॉन गेटेड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। अपने सेशन को लाइक वगैरह कर दिया है ना, मैंने बोला नहीं इसका मतलब ये नहीं कि लाइक नहीं करना है, लाइक कर देना एक बार सारे सेशन को। ओके, चलिए। एंड यस, टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जो गेट को टारगेट कर रहे हैं, मैंने गेट पे आज एक सेशन लिया था मॉर्निंग एट 8 o'clock, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अगर आप गेट को टारगेट कर रहे हो, डेफिनेटली आप डेली 8 o'clock सुबह वो सेशन को भी अटेंड किया करो। ठीक है, चलो। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट दी ओपन गेटेड चैनल, तो ओपन गेटेड चैनल में क्या होता है? ये है आपका पोटाशियम लीकी चैनल। ये एक ऐसा चैनल है बच्चों जहाँ से पोटाशियम आयन्स पास होते हैं। एंड दिस चैनल इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपको जो मैं चीज़ें पढ़ाऊंगी बच्चों, आपको ये याद रखना है कि कौन सा चैनल है, कौन से आयन्स वहाँ से मूव हो रहे हैं, उस चैनल का पर्पस क्या है, जनरेट करना रेस्टिंग पोटेंशियल कि मेंटेन करना रेस्टिंग पोटेंशियल, इंक्रीज डिक्रीज क्या है, आप लोगों को उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, बिकॉज बहुत बार आप लोगों को वहाँ से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल सकते हैं। यस yes, बिल्कुल 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 चंद्रमा। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस ओपन गेटेड चैनल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ओपन गेटेड चैनल है तो क्या है, ये हमेशा ओपन रहता है, इसको कोई गेट नहीं लग रहा है, ना ही ये क्लोज ओपन हो रहा है, ये हमेशा एक ही कन्फर्मेशन में पाया जाएगा। आयन्स कैन मूव इन आयर डायरेक्शन। अगर हमारा ये सपोज सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा सपोज आयन चैनल है, अब इस आयन चैनल से क्या हो सकता है, तो मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, या तो वो इस तरफ मूवमेंट हो सकता है, या तो मूवमेंट आउटसाइड भी हो सकता है। हो सकता है मूवमेंट हमारे आउटसाइड से इनसाइड हो आयन का, या हो सकता है मूवमेंट हमारे इनसाइड से आउटसाइड हो किसी भी मॉलिक्यूल का। तो कहाँ होगा, आउट टू इन या इन टू आउट, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे, क्योंकि अगर पोटाशियम आ रहा है तो साथ में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। अगर पोटाशियम आ रहा है मतलब कि साथ में हमारा एक पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, और अगर साथ में हमारा एक पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है तो इससे सेल का क्या हो जाएगा, इससे सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा। सेल का ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा, तो डिपेंड करता है कि सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके हिसाब से चीज़ें हमारी देखी जाएगी। अब इनका लोकेशन कहाँ पे होता है बच्चों? तो हमारे सेल्स के अंदर में कार्डियक मसल्स है, न्यूरॉन्स है, स्केलेटल मसल सेल्स है, इन सब जगह पे देखा जाता है बच्चों इस ओपन गेटेड चैनल का फंक्शन। तो इन जगहों पे हमको देखने को मिलता है ये ओपन गेटेड चैनल। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
सो दिस इज हाउ दी ओपन गेटेड चैनल्स विल वर्क. कुछ इस तरीके से काम करेगा स्टूडेंट्स हमारा ये ओपन गेटेड पोटेशियम चैनल. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दी गेटेड आयन चैनल्स. अभी हम बात करते हैं अबाउट दी गेटेड आयन चैनल्स. और अगर हम बात करते हैं अबाउट दी गेटेड आयन चैनल्स, तो इन गेटेड आयन चैनल्स में पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट दी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स. वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स में क्या होने वाला है, तो डिपेंड करता है कि सेल का वोल्टेज क्या है, उस सेल के वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिसाइड होगी कि सेल का वोल्टेज प्लस 35 है क्या, सेल का वोल्टेज माइनस 40 है क्या, सेल का वोल्टेज माइनस 70 है. जो भी सेल का वोल्टेज रहेगा उस वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे हमारा चैनल जो है वो ओपन और क्लोज यहाँ पे होने वाला है. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द चैनल्स दे ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे हम लोग दो तीन चैनल्स पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स. और इन चैनल्स पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वोल्टेज के चेंज होने से ये चैनल्स हमारे ओपन एंड क्लोज होते हैं. एंड यस दे आर प्रेजेंट ऑन दी न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स की हम लोग पूरी फंक्शनिंग पढ़ेंगे जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. मैं इन टर्म्स को आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ, पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को डिस्कस करते हैं. नाउ ये हमारा न्यूरॉन है, ये हमारा न्यूरॉन है, लाइक दिस. ये हमारा सपोज है न्यूरॉन. कौन कौन से रीजन्स होते हैं इसमें, समवॉट लाइक दिस. What like this? ऐसा कुछ आप ड्रॉ करते हो. अब यहाँ पे क्या होते हैं ना, यहाँ पे जो चैनल प्रेजेंट है, दीज आर दी लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल. ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है हमारा लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल. ओके, अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है. जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा. और इस चैनल के ओपन होने से क्या हो जाएगा, तो इस चैनल के ओपन होने से सारा का सारा सोडियम न्यूरॉन्स के अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट रहती है इस तरीके से माइलिन शीथ. यहाँ पे प्रेजेंट रहती है इस तरीके से ये माइलिन शीथ और यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे ऐसे बहुत सारे पम्प्स प्रेजेंट रहते हैं. इनको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रेनवायर. और जो नोड ऑफ रेनवायर पोर्शन दिख रहा है आपको, वहां पे प्रेजेंट रहते हैं हमारे सारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स. यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे पाया जाता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स. ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ क्या आपको इतना समझ में आया, जितना मैंने ड्रॉ किया है मैकेनिज्म तो समझाऊंगी मैं आपको, क्या आपको इतना समझ में आया. चलो परफेक्ट, अब ध्यान से समझना. ठीक है, सबसे पहले सेल का एक रेस्टिंग पोटेंशियल रहेगा. सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेल का हमारा एक रेस्टिंग पोटेंशियल प्रेजेंट रहता है जो होता है माइनस 70. ये होता है सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल. अब यहाँ पे जब लिगैंड आके बाइंड होता है, जब यहाँ पे एक सिग्नलिंग आके बाइंड होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, सिग्नल के बाइंड होने से क्या होता है, तो सिग्नल के बाइंड होने से सोडियम की एंट्री अभी स्टार्ट हो जाती है. जब सोडियम की एंट्री स्टार्ट होगी तो मुझे बताओ हमारा जो सेल माइनस 70 पे था, ये अभी माइनस 50 की तरफ जाएगा या ये माइनस 90 की तरफ जाएगा, इतना बताओ बस.
अगर सोडियम की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी सेल में, तो सेल -70 से -50 में जाएगा या -90 में जाएगा? क्या मेरी वॉइस में कोई इशू है क्या बच्चों? देखो, सम पीपल आर सेइंग देयर आर सम इश्यूज बट सम आर सेइंग नॉट। तो सच में इशू है कि नहीं वो बता दो एक बार। इशू तो इशू लिखो, नहीं तो नो इशू लिखो। नो इशू, ठीक है, थैंक यू आकांक्षा। ओके तनु, मुझसे बात करो। ओके, टॉक टू मी। मोर पॉजिटिव -50 की तरफ जाएगा, अग्रीड। तो क्या होता है कि जब सेल के अंदर, जब न्यूरॉन्स में देखने को मिलता है हमको, ठीक है, जब हमको देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पे कि लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप हुए हैं लिगैंड के आने की वजह से, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी आयन है सोडियम जो है वो अंदर चला जाएगा। और जब सोडियम अंदर जाता है, ठीक है, जब सोडियम अंदर जाता है तो सोडियम के अंदर जाने से क्या हो जाएगा, आपका सेल में देखने को मिलता है डीपोलराइजेशन। जब सेल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो सेल करीबन पहुंचता है -35 तक, सेल करीबन पहुंचता है -35 तक, और ये कहलाता है फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सेल था पहले रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 पे, अब सेल के अंदर आना स्टार्ट हुआ था सोडियम आयन, सोडियम आयन्स की आने की वजह से क्या हुआ है अभी, तो सेल पहुंचा है अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक। इस पोटेंशियल पे क्या होता है, तो इस पोटेंशियल पे अभी ओपन होता है हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। जब सेल का वोल्टेज था -70 तब चैनल्स बंद थे, पर जब सेल पहुंचा -35 पे तब ओपन हो गए सारे के सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, अब जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप हुए हैं तो क्या हो जाएगा, सेल में और पॉजिटिव आयंस आने स्टार्ट हो गए। तो सेल में क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव आयंस आते गए आते गए आते गए, और सेल क्या करता है, हमारा ये करीबन +50 तक पहुंच जाता है। अब देखो ये एग्जैक्ट वोल्टेज चेंज होता है सेल टू सेल, मैं आपको एक इन जनरल बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेल हमारा करीबन पहुंचता है +40 तक, और इसको फिर हम बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है एक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे हमारा एक इम्पल्स फायर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक इम्पल्स फायर होगा। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। अब जब सेल +40 पे पहुंचेगा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओपनिंग ऑफ दी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, और अभी क्या हो जाएगा, तो भी पोटेशियम आयंस हमारे बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, सेल वापस नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो सेल क्या करता है, अभी सेल हमारा ये +40 से अगेन माइनस की तरफ में जाना स्टार्ट होता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। तो मैं अगर आपको शुरुआत से एक बार वापस से एक्सप्लेन करूं, तो मैंने क्या क्या पढ़ा था, सेल पहले था -70 में, जो था सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर क्या हुआ, सेल हमारा पहुंचा करीबन -35 था, और ये है सेल का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। फिर सेल क्या किया है, वो पहुंचा है करीबन +40 तक, और यहाँ पे हुआ है हमारा एक्शन पोटेंशियल फायर। रेस्टिंग पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड तक कौन लेके गया है, तो यहाँ पे ऊपर लेके गया है हमारा लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। 35 से ऊपर कौन लेके गया, तो ऊपर लेके गया है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब जब सेल हमारा उतना 40 तक चला गया है, उसको वापस से भी तो लेके आना है। ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ओके, नाउ दिस पार्ट, ये जो ऊपर जाने वाली जो बात है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डीपोलराइजेशन, ये कहलाता है डीपोलराइजेशन। एंड जो नीचे आ रहा है वापस से, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ये कहलाता है रीपोलराइजेशन। अब रेस्टिंग पोटेंशियल था -70, रेस्टिंग पोटेंशियल वाज -70, पर जो सेल हमारा एक्स्ट्रा आ गया ना नीचे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपर पोलराइजेशन।
ये कहलाता है हाइपर पोलराइजेशन। तो सेल को हाइपर पोलराइज स्टेट से वापस ऊपर जाने का काम कौन करेगा? ये जो काम रहता है दिस इज परफॉर्म बाय द सोडियम पोटाशियम पंप। तो जो भी हमारे ये सारे के सारे चैनल्स है, जो भी हमारे सारे के सारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, लिगैंड गेटेड चैनल्स है, ये इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने दो तीन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे हम लोग ने दो तीन पंप्स को डिस्कस कर लिया है। मुझे बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ गई है? सो आई कैन टेल यू द डेफिनेशंस नाउ। इतना समझ में आया, इसमें को भी डायग्रामेटिकली समझना है, उसके बाद मैं आप लोगों को डेफिनेशन समझा दूंगी। क्लियर? हाँ, माइनस 80 माइनस 90 तक जा सकते हो, 85 लिख दिया मैंने, चलो ओके। चलो अब देखो क्या बोला था मैंने, रेस्टिंग पोटेंशियल। जब सेल हमारा रेस्टिंग फेज में था दैट वाज रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिगैंड गेटेड चैनल्स को ओपन किया है जिससे सोडियम आयन्स अंदर आए थे, तो आपका सेल गया था माइनस 35 तक, और उसको मैंने बोला था थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और उस पे क्या होता है, तो उस 35 पे माइनस 35 पे जाने के बाद में हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप होते हैं। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ डीपोलराइजेशन रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करने के लिए जितना भी पोटेंशियल चाहिए है, जितना भी एनर्जी चाहिए है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा वो पोटेंशियल है जो प्लस 35 प्लस 40 कुछ लिखा था मैंने आप लोगों के लिए, ये वो है जब न्यूरॉन हमारा फायर होता है। सो दीज आर द थ्री पोटेंशियल्स। और व्हाट इज डीपोलराइजेशन? तो सेल हमारा जब माइनस 70 से पहुंचा था माइनस 35, गया था वो करीबन प्लस 40 तक, मतलब कि जब सेल हमारा मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव तक जाता है, वो कहलाता है डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, तो सेल हमारा जब रिवर्स आया था, जब सेल हमारा मोर पॉजिटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वो कहलाता है रीपोलराइजेशन। एंड व्हाट इज हाइपरपोलराइजेशन? तो जब ये लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव, मतलब कि तो माइनस 70 से और गया वो नीचे, माइनस 90 के करीब गया, मतलब कि लेस नेगेटिव था उसे और नेगेटिव की तरफ में गया है, तो वो कहलाता है हाइपरपोलराइजेशन। सो प्लीज टेल मी, क्या आपको ये तीन वर्ड्स समझ में आए हैं? तीन, और ये तीन वर्ड्स, आर ऑल दीज वर्ड्स क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब बाकी की बातें आप लोगों को, ये आप लोग एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ते हो कि अल्टीमेटली क्या होता है, तो कैल्शियम चैनल्स ओपन अप होते हैं, और कैल्शियम चैनल्स के आने से क्या हो जाएगा, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होने की वजह से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, एंड सो फोर्थ, सिग्नलिंग हमारा आगे आगे बढ़ता रहता है ना। ये लिखा है यहाँ पे, इसको आप देख लेना, सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं इस टाइम पे, पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, लीव करना स्टार्ट करेंगे, तो सेल आपका वापस से फिर रीपोलराइज स्टेट में आएगा। ये होता है डीपोलराइज्ड स्टेट, एंड ये होता है फिर आपका हाइपर पोलराइज्ड। दिस इज दी हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी ब्लॉकर्स। देखो बच्चों, कुछ भी मिस किया चलेगा, इनको मिस मत करना। ये हैं हमारे इनिबिटर्स, ये हैं हमारे इनिबिटर्स, और ये क्या करते हैं, तो ये जाके इनिबिट करते हैं हमारे चैनल्स को, लाइक टेट्रोडोटॉक्सिन, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है आपके सोडियम चैनल को। सैक्सिटॉक्सिन कैन ऑल्सो ब्लॉक दी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। डेंड्रोटॉक्सिन क्या करता है, तो इनिबिट करता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को। तो ये सारे के सारे वोल्टेज गेटेड वाले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ये गेटेड चैनल्स हैं, इनको इनिबिट करते हैं हमारे ये सारे इनिबिटर्स। सेट के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इनिबिटर है और वो कौन से चैनल को इनिबिट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी लिगैंड गेटेड चैनल्स। नेक्स्ट इज दी, हाँ यस, बायोलॉजी पॉइंट डेफिनेटली, इनिबिटर से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पंप्स में और ज्यादा कुछ रहता नहीं है पूछने को, इनिबिटर से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट दी लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, तो इसमें क्या होने वाला है, अब यहाँ पे हमारा एक सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे हमारा एक लिगैंड मॉलिक्यूल आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयन चैनल्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं रिस्पॉन्स टू सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है लिगैंड की बात की जा रही है।
अब ये लिगैंड हमारा एक्सटर्नल लिगैंड भी हो सकता है या ये लिगैंड हमारा इंटरनल लिगैंड भी हो सकता है. व्हाट इज एक्सटर्नल लिगैंड एंड व्हाट इज इंटरनल लिगैंड, तो देखना अगर ये हमारा एक सेल है और सपोज यहाँ पे ये GPCR प्रेजेंट है, अगर यहाँ से बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द एक्सटर्नल लिगैंड. पर फिर क्या होता है, GPCR के एक्टिवेशन की वजह से आपका एडेनिलिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है जिससे साइक्लिक AMP बनता है. और ये साइक्लिक AMP क्या करता है, तो ये साइक्लिक AMP जाके दूसरे चैनल्स को कंट्रोल करवाता है. तो क्या हो रहा है, सेल के अंदर का ही एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, सेल के अंदर का ही एक मॉलिक्यूल है ना. तो दैट साइक्लिक AMP इट विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल लिगैंड. तो लिगैंड या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल लिगैंड भी हो सकता है, इंटरनल लिगैंड भी हो सकता है. अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लिगैंड के मतलब कि सेल के बाहर से सिग्नल आएगा, और अगर हम बात करते हैं इंटरनल लिगैंड के मतलब कि सेल के अंदर ही कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन रहा है और वो वहाँ पे रेगुलेशन करवाने वाला है. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर, एक्सटर्नल इंटरनल ये बात समझ में आ गई. या आपकी एग्जाम्पल्स है एक्सटर्नल के, एसिटिल कोलिन है, देन गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है, ये आपका होता है एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, ये होता है इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, और उसके बाद में साइक्लिक AMP एंड ATP है जो आपके इंटरनल लिगैंड्स है. बायोलॉजी पॉइंट कट ऑफ तो हर साल चेंज होता है, कट ऑफ हर साल चेंज होता है, बट यस ट्राई टू मेंटेन अराउंड 60%, अबव 60%. ओके, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स की अगर मैं बात करूं, तो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स में एग्जांपल्स बड़े सिंपल से हैं कि जो भी ईयर में हमारे जो इम्पल्सेस हैं वो आपके मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल से जाते हैं. लाइक वी हियर ना, जो आपके साउंड वेव्स है, वाइब्रेशंस जब हम सुनते हैं, तो ये एग्जांपल्स आते हैं आपके, ये चैनल्स आते हैं अंडर दी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स. ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट दी आयन चैनल्स पार्ट. अब ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पंप्स है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. अगर हम बात करते हैं एक्वापोरिन की, तो इसका स्ट्रक्चर आता है अल्फा हेलिक्स. देखो एक होता है एक्वापोरिन, एक होता है पोरिन. एक्वापोरिन याद रखना ए से अल्फा हेलिक्स, पोरिन में याद रखना कि बीटा शीट रहते हैं. पोरिन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो यहाँ पे आपके बीटा बैरल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं. एक्वापोरिन में क्या याद रखना है, तो ये 6 बार मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, ये वाटर के साथ साथ में अमोनिया को भी मूव करता है. यहाँ पे हमारे सिलेक्टिविटी फिल्टर, यहाँ पे आपके 3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, पी ए और एन. उसके बाद में इनका जो लोकेशन रहता है, ये इनका लोकेशन क्या है, तो ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली रूट टिप में, जहाँ जहाँ पे बॉडी में वाटर को रिटेन करना है. जैसे कि हमारे अंदर नेफ्रॉन्स है, कलेक्टिंग डक्ट है नेफ्रॉन का, स्पेसिफिकली किडनीज में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट. तो कलेक्टिंग डक्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. सो उस कलेक्टिंग डक्ट में जहाँ पे वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे ये एक्वापोरिन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. सो एक्वापोरिन्स क्या कर रहे हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है, वाटर में हमारे ये क्या कर रहे हैं, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हमारा एक्वापोरिन. और वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों पोरिन प्रोटीन्स की, तो पोरिन प्रोटीन का जो शेप रहता है, इसका जो कन्फर्मेशन रहता है, ये लगभग होता है आपके बीटा बैरल प्रोटीन्स की तरह. ये पाया जाता है ऑन दी आउटर मेम्ब्रेन, किस किस के, तो माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के. तो ये एक एंटी पैरेलल बीटा शीट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये क्या कर रहा है एक तरीके से, तो पोरिन जो है वो चीज़ों को मूव कराता है. तो हम बोलते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वंस अपॉन अ टाइम दे वेयर सम बैक्टीरिया, और वहीं से इनको एनगल्फ करके हमारे ऑर्गेनल्स फॉर्म हुए हैं. सो दीज आर, सिंस दे आर एनगल्फ, तो जो बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा वही यहाँ पे भी पाया जाता है. एंड एज वी से द आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल, वहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव हो सकते हैं. तो इसी पोरिन प्रोटीन की वजह से होता है कि यहाँ पे हमारे कोई भी मॉलिक्यूल्स ईजिली मूव हो सकते हैं.
ठीक है। तो यस बीटा बैरल प्रोटीन्स याद रख लेना, यहाँ पे ये एंटी पैरेलल बीटा शीट याद रखना, और इसके इसमें आप लोग को अल्फा हेलिक्स याद रखना है, स्ट्रक्चर्स पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज दी बैंड थ्री और दी अनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं अनायन एक्सचेंजर, इसको हम बोलते हैं बच्चों अनायन एक्सचेंजर। ये क्या करता है, तो मेम्ब्रेन को ये स्पैन करता है स्टूडेंट्स 14 टाइम्स, ये मेम्ब्रेन को 14 टाइम्स तक स्पैन करता है, और ये पाया जाता है ऑन दी रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे जो RBCs है उनके सरफेस पे, उनके मेम्ब्रेन पे पाया जाता है हमारा ये बैंड थ्री, इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अब देखो CO2 क्या है, CO2 इज अ गैशियस मॉलिक्यूल, ये तो इजीली मेम्ब्रेन में आ सकता है, बाहर निकल सकता है, ये अंदर बाहर कर सकता है। पर अगर आपको ये करना है कि आपको सारे टिश्यूज में से CO2 को कलेक्ट करना है और उसको लेके जाना है, CO2 को बांध के तो नहीं रखा जा सकता है, तो क्या करता है हमारा आरबीसी, हमारा आरबीसी ये काम करता है कि वो CO2 को पहले तो सेल के अंदर ले लेगा, वो CO2 को पहले आरबीसी के अंदर आ जाएगा, देन द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू वॉट, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट इज कन्वर्टेड टू दिस HCO3 फॉर्म। अब ये जो HCO3 आ चुका है, ठीक है, अब ये जो HCO3 आ चुका है, ये आपका जो बाइकार्बोनेट है बिल्कुल आयन है, ये अभी पास नहीं हो सकता, तो हमने उसको ट्रैप कर लिया एक तरीके से। सो दिस बाइकार्बोनेट नाउ इट कैन नॉट बी लाइक रेडिली एक्सक्रीटेड आउट, या फिर वो अपने आप से आरबीसी से बाहर नहीं निकल सकता है, अब उसको हम पंप से ही बाहर निकालेंगे। तो वो जो पंप यूज होता है, वो पंप होता है हमारा बैंड थ्री, और ये HCO3 बाहर कब निकलेगा, जब ये हमारा जो आरबीसी है जब ये जाएगा नियर दी एल्वियोला, क्योंकि लंग्स के पास जाके ही CO2 को रिलीज करना है, तो ये HCO3 के फॉर्म में हम लोग चीज़ों को ट्रैप करते हुए चलते हैं, एंड जब उसको रिलीज करने की बारी आती है तब उसको फिर हम लोग इस बैंड थ्री से एक्सचेंज करते हैं। सो इसको बोला जाता है अनायन एक्सचेंजर, बिकॉज यहाँ से आप देख सकते हो आपके अनायनिक मॉलिक्यूल्स पास किए जा रहे हैं। ओके थैंक यू बायोलॉजी पॉइंट, इज दिस क्लियर टू ऑल। एज आई हैव टोल्ड यू, हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप लोग इमोशन बैच में हम डिटेल में आपको टॉपिक्स करवाते हैं। आई एम हियर टू जस्ट क्विकली रिकॉल एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपको एक कंप्लीट रिविजन करवा रही हूँ पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द सिस्टिक, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स पढ़ा रही हूँ मैं आपको अलग से। देन वी हैव दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR। अब और तक बोलते हैं कि यहाँ पे तो ATP की जरूरत पड़ती है, पर ATP की जरूरत यहाँ पे एज एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ATP जो रहता है यहाँ पे उसकी जरूरत एनर्जी के फॉर्म में नहीं पड़ती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जो CFTR पंप है ना, ये क्या करता है, तो हमारे बॉडी में सॉल्ट वाटर का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एक क्लोरीन चैनल है, ये एक ऐसा आयन चैनल है स्टूडेंट्स, ये ABC फैमिली को बिलोंग करता है, और ये एक ऐसा आयन चैनल है जहाँ से ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, बट अगर किसी को बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो मेनली लंग्स में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि लंग्स में हमारे सर्फेक्टेंट्स नहीं बन पाते हैं प्रॉपरली। अगर लंग्स में सही से सर्फेक्टेंट्स नहीं है, तो हमारा जो ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला जो प्रोसेस है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता है। सो दिस CFTR पंप इज प्रेजेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पर अगर बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो मेनली जो डिस्ट्रेस होता है दैट इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हियर, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, तो जो भी हमारा ये CFTR पंप है उसमें आ जाता है म्यूटेशन, जिससे हमारा क्लोरीन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाएगा, जिससे वहाँ पे थिक म्यूकस बनता है, एंड उस थिक म्यूकस के बनने से क्या हो जाएगा, तो सही तरीके से पर्सन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नहीं कर पाएगा। यस दैट इज वेरी ट्रू अंकिता, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आता है Δf508 म्यूटेशन। डेल्टा का मतलब होता है डिलीशन, एफ स्टैंड्स फॉर द अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन, और 508 का मतलब होता है दिस सजेस्ट्स द पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड, कि CFTR जो पंप है वो पंप जो प्रोटीन से बना है, उस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड से उसका जो 508 अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड में देखा जाता है देयर इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन हियर। ओके सीमा हमारे ऐप में मिल जाएगी आपको PDF। सो ये वे कंप्लीट दी चैनल्स पार्ट, इज दिस पार्ट क्लियर,
हमने अब तक बात कर लिया है अबाउट दी लिगैंड गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल, सब एग्जांपल्स ऑफ दी चैनल्स। वी हैव कंप्लीटेड द सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस दी सेकेंड पार्ट, दैट इज दी ट्रांसपोर्टर्स। क्लियर? क्विक रिविजन फॉर एवरीथिंग। ओके, आप लोग इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम डिटेल में जाएंगे, नहीं, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, वी आर डूइंग अ क्विक रिविजन ऑफ द एंटायर सेल बायोलॉजी। ओके, चलिए नाउ अगर हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टर्स की, तो ट्रांसपोर्टर्स क्या करने वाले हैं? अब इनमें आता है कन्फर्मेशनल चेंज, यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे कैरियर या फिर ट्रांसपोर्टर्स जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। ये भी हमारे प्रोटीन्स ही रहेंगे, मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं मल्टीपल टाइम्स। इनमें देखा जाता है दैट दे विल हैव द टू ऑल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस। इनमें दो ऑल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं E1 एंड E2 कन्फर्मेशंस इनमें देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है ऑन दी कंसेंट्रेशन, कि भाई बाहर का कंसेंट्रेशन क्या है, अंदर का कंसेंट्रेशन क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमको मूवमेंट देखने को मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज अ पैसिव डिफ्यूजन। एग्जाम्पल्स में हम लोग पढ़ते हैं आपके सारे के सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट का मतलब क्या होता है? ग्लूट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। सारे ग्लूट का काम एक ही होता है, सबका काम होता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाना, बस लोकेशंस अलग अलग होते हैं। ग्लूट वन जैसे कि ब्रेन में RBCs में रहेगा, तो ग्लूट टू पैनक्रियाज में, लिवर किडनी में होता है। ग्लूट थ्री ब्रेन किडनी प्लासेंटा में होता है। तो सबके लोकेशंस अलग अलग है, सबका काम वही होता है। काम क्या होता है? अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सबका काम ये होता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ से जो एक्सेप्शनल वाली बातें हैं वो क्या है? ग्लूट फाइव जो है एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। हम जो बोल रहे हैं नाम इसका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, पर ये ग्लूकोज नहीं बल्कि ये फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके अलावा जो ग्लूट फोर होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये क्या होता है? तो जब आप लोग फूड कंज्यूम करते हो और आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, जब क्या हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है उस टाइम पे देयर इज रिलीज ऑफ इंसुलिन। और जब इंसुलिन रिलीज होता है उसकी वजह से हमारे ग्लूट फोर रिक्रूट होते हैं। ये होते हैं आपके इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जब इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ही ग्लूट फोर का रिक्रूटमेंट होगा। और जब ग्लूट फोर रिक्रूट हो गया तो क्या हो जाएगा, दैट लीड्स टू ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। और अगर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, बिकॉज ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल रहना इज नॉट गुड। तो क्या हो जाएगा, जो भी आप लोग फूड कंज्यूम करोगे उसमें जितना भी ग्लूकोज रहेगा उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। देन यू कैन कन्वर्ट ग्लूकोज टू पाइरूवेट, ग्लाइकोलाइसिस, TCA चला सकते हो, ATP बना सकते हो। अगर ग्लूकोज बहुत सारा है तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ग्लूकोज के अलग अलग फेट फिर हमारे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फिर आप लोग बोलते हो कि भाई डायबिटिक में क्या होता है, डायबिटीज़ में देखा जाता है दे हैव टू टेक इंसुलिन शॉट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके बॉडी में इसका रिक्रूटमेंट सही से नहीं हो पाता है। अलग अलग रीजंस होते हैं डायबिटीज़ के। अगर मैं एक स्पेसिफिक टाइप की बात करूं तो क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी होती है, जिसमें जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज में, जो बीटा सेल्स होते हैं उनका काम होता है इंसुलिन को रिलीज़ करना। हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उनका काम होता है रिलीज ऑफ इंसुलिन। अगर किसी के अंदर में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, वह इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पाता है। अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होता है तो ये पूरा पाथवे नहीं हो पाएगा और उनके अंदर में हमेशा ग्लूकोज की लेवल हाई रहेगी। डायबिटिक, इसलिए डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं दे डू नॉट अपटेक एनी काइंड ऑफ शुगर, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना बढ़ सके। तो कुछ लोगों का होता है दैट दे हैव टू टेक द इंसुलिन शॉट एज वेल। तो व्हेनेवर दे हैव टू ईट सम फूड, वो इंसुलिन बाहर से लेते हैं ताकि जब वो फूड कंज्यूम करे तो वो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा बाय दिस पर्टिकुलर पाथवे। तो ये आपको ट्रांसपोर्टर्स के बारे में याद रखना है। आई हैव मेंशन दी ट्रांसपोर्टर्स एंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्या फंक्शन होता है, आई हैव टोल्ड यू। 5 को याद रख लेना फ्रुक्टोज के लिए है, 4 को याद रख लेना इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, बाकी आप लोगों के लिए नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। नाउ
इफ वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन हो रहा है। अब अगर मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मेम्ब्रेन इतना बड़ा है कि वहाँ से इजीली मूव होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। पर अगर हम बात करते हैं कि जो कैरियर प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, अब इमेजिन अगर एक सेल है उस सेल के मेम्ब्रेन में सपोज इतने कम तो नहीं, पर सपोज इफ देर आर ओनली 40 कैरियर प्रोटीन्स, इफ देर आर ओनली 40 कैरियर प्रोटीन्स, तो क्या हो जाएगा कि जब आप लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चलोगे, सपोज इनिशियली पहले 10 मॉलिक्यूल्स है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। अब जब आपने 10 सबस्ट्रेट दिया मूव हो गया, 20 दिया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और बढ़ गया, 30 दिया डिफ्यूजन और बढ़ गया, 40 दिया और डिफ्यूजन बढ़ गया, पर 50 दोगे तो क्या हो जाएगा, कैरियर प्रोटीन तो 40 है, एट ए टाइम वो 40 मॉलिक्यूल्स को ही आगे बढ़ा सकते हैं, तो 40 के बाद में आ जाएगा सैचुरेशन। तो उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ 60 70 80, पर एक बार में वो 40 ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर सकता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सो आफ्टर अ टाइम देयर इज सैचुरेशन, बिकॉज कैरियर प्रोटीन जितने प्रेजेंट रहेंगे उतने मॉलिक्यूल्स ही हमारे मूव हो सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों सिंपल डिफ्यूजन को, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर में सिंपली मॉलिक्यूल्स हमारे मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूज होते हैं और मेम्ब्रेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो कितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे मूव हो सकते हैं। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल, सिंपल एंड पैसिव। हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडे, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक बार बता दो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है टू एवरीवन? ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे देखा जाता है ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखा जाता है। अब ये अगेंस्ट हो रहा है तो ये तो नॉन फेवरेबल रहेगा, सो यस थर्मोडायनामिकली ये हमारा एक नॉन फेवरेबल रिएक्शन रहता है। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में लिया जा सकता है, वी कैन यूज द इलेक्ट्रॉन फ्लो, वी कैन यूज लाइट, वी कैन यूज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जैसे आपके एटीपी सिंथेस अब इलेक्ट्रॉन फ्लो से एनर्जी ले रहा है ना, लाइट से एनर्जी लेता है रोडोप्सिन मॉलिक्यूल, तो ऐसे जो भी पंप्स है जो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी को डायरेक्टली यूज करते हैं या इनडायरेक्टली यूज करते हैं, वो सारों को हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या रोल होता है बॉडी में, तो व्हेन वी हैव टू परफॉर्म द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हेन वी हैव टू रिमूव द वेस्ट, और जब हमको हमारे सेल के अंदर में आयरन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, इन सब जगह पे हम लोग यूज करते हैं हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एज आई हैव मेंशनड यू, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ये करता है डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी, ये करता है डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी, और सेकेंडरी क्या करता है, तो ये करता है इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इट डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है बच्चों, तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट रहता है। पीयूष आप यूट्यूब पे पूछ रहे हो या फिर आप ऐप पे पूछ रहे हो, आर यू आस्किंग अबाउट द लाइव बैचेस या फिर आप वाईटी की बात कर रहे हो? हाँ जी ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हम लोग को पढ़ने होते हैं चार टाइप्स के पंप, पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। इंपॉर्टेंट यहाँ से आप लोगों के लिए पी टाइप ऑफ पंप है, वी और एफ में तो बहुत माइन्यूट वी कैन से डिफरेंसेस होते हैं। लाइव बैच ओके पीयूष, तो उसका अपडेट ना आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा,
जस्ट विजिट आवर वेबसाइट ifsonline.com और वहाँ पे अगर कोई नई बैच लॉन्च हो रही होगी तो वो मिल जाएगी। मीन वाइल सेट के सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स को परचेस करके भी वहाँ से स्टडी कर सकते हो। ओके चलिए, तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द पी टाइप ऑफ पंप। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द पी टाइप, यहाँ पे पी का मतलब होता है पहले तो फॉस्फोराइलेशन, द पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन कहाँ से होगा बच्चों, तो एटीपी है, एटीपी से लिया जाता है फॉस्फेट और परफॉर्म किया जाता है फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ से एडीपी फिर रिलीज कर दिया जाता है। फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है, पंप पे हो रहा है। पंप क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन किसका बना है, अमाइनो एसिड का। तो भाई हमारे उस पंप में जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, जहाँ पे एस्पार्टेट अमाइनो एसिड रहता है, उस एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पे ही करवाया जाता है फॉस्फोराइलेशन। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोटीन हियर, तो प्रोटीन में जहाँ पे आपका ये एस्पार्टेट अमाइनो एसिड रहेगा, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, तो भाई उस एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पे ही करवाया जाता है फॉस्फोराइलेशन। यस यस ठीक है। और इसको वैनेडेट आयंस इज द इनहिबिटर फॉर दिस काइंड ऑफ पंप हियर। एग्जाम्पल्स में हम लोग को पढ़ने हैं ये सारे पंप्स, सोडियम पोटाशियम पंप होता है, कैल्शियम पंप होता है, प्रोटॉन पोटाशियम पंप होता है, प्रोटॉन पंप है, फ्लिपेज है, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ योर पी टाइप एटीपीएस। पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट दी सोडियम पोटाशियम पंप। आई थिंक ये आप सबका फेवरेट पंप होता है बिल्कुल। ये पाया जाता है एनिमल सेल्स में, ये होता है एक मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप। बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी की खर्च हो जाती है इस पंप को चलाने के लिए। लगभग 70% एटीपी न्यूरॉन्स में जो रहते हैं, ब्रेन में जो 70% एटीपी है, वो इसी पंप को चलाने में यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी, लाइक हम बोलते हैं ना, एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग पंप है ये हमारी बॉडी का, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी गिव इट एज वेल। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये सेल्स का रोल क्या होता है, तो सेल्स के अंदर में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना हो, सेल का वॉल्यूम मेंटेन करना हो, वहाँ पे हमारा ये सोडियम पोटाशियम पंप काम आता है। दिस सोडियम पोटाशियम पंप इज टेट्रामरिक इन नेचर, मतलब कि इसमें चार सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो इस तरीके से यहाँ पे चार सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ दिस इज हाउ द मैकेनिज्म इज परफॉर्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, तो चलो आप मुझे बता सकते हो क्या, कितने सोडियम्स और कितने पोटाशियम आयन का एक्सचेंज होता है। ओके जस्ट टेल मी दिस वन थिंग, कि कितने सोडियम आयन्स और कितने पोटाशियम आयन्स मूव होते हैं एक बार में। थ्री सोडियम, टू पोटाशियम। यस, तो क्या होता है एक बार में, जब तीन सोडियम आयन्स बाहर जाएंगे, जब तीन सोडियम आयन्स बाहर जाते हैं, उसके एक्सचेंज में क्या होता है, तो उसके एक्सचेंज में फिर एक पोटाशियम आयन अंदर भी आता है, सॉरी दो पोटाशियम आयन्स अंदर आते हैं। सो यही चीज होती है हमेशा, अग्रीड। यस, सो वॉट इज हैपनिंग हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, सो थ्री सोडियम आयन्स विल गो आउटसाइड एंड उसके एक्सचेंज में दो पोटाशियम आयन्स अंदर आते हैं। सो थ्री सोडियम आयन्स आउट एंड टू पोटाशियम आयन्स इन, मतलब प्लस थ्री बाहर जा रहे हैं, प्लस टू अंदर आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि हर बार में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव बाहर जा रहा है। हर बार में क्या हो रहा है, तो हर बार में एक पॉजिटिव आयन हमारा बाहर निकल रहा है। नाउ इफ यू लुक एट दीज डायग्राम्स, अगर आप लोग इन डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं इसमें से हट जाती हूँ, जस्ट फोकस ऑन दीज डायग्राम्स। इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे हमारे सोडियम पोटाशियम पंप के अलग अलग कन्फर्मेशन दिख रहे हैं। अब देख सकते हो ये पहले है उसके एक कन्फर्मेशन में, सपोज इफ आई से दिस एज E1 configuration, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें तीन सोडियम आयन्स लोड हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे ये तीन सोडियम आयन्स लोड हो रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, तीन सोडियम आयन्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो ये पंप है उनमें तीन सोडियम आयन्स लोड हो गए हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। फर्स्ट स्टेप व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्री सोडियम आयन्स दे विल बाइंड टू दी पंप। उसके बाद में यहाँ पे होता है एटीपी का हाइड्रोलिसिस। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ऐड किया जाएगा प्रोटीन में और एडीपी वहां से डिसोसिएट होगा। फॉस्फेट को ऐड किया जाएगा एस्पार्टेट पे और वहां से एडीपी हमारा रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या होगा, तो जैसे ही हमारे प्रोटीन पे हुआ है फॉस्फोराइलेशन, वैसे आप देख सकते हैं उसमें आ गया है अभी कन्फर्मेशनल चेंज। और इस कन्फर्मेशनल चेंज से क्या हो रहा है बच्चों, तो इस कन्फर्मेशनल चेंज से अभी आपका जो ओपनिंग इस तरफ था, नाउ द ओपनिंग हैज बीन चेंज्ड और आपके सोडियम्स क्या हो रहे हैं, सोडियम आयन्स भी वहां से डिसोसिएट हो रहे हैं। वो डिसोसिएट होने के बाद में क्या हो रहा है अभी, तो अभी वहां से पोटाशियम आयन्स आके हमारे इन पंप को बाइंड होते हैं। पंप को बाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा, तो अभी पोटाशियम आके बाइंड हो चुके हैं। उसके बाद में होता है बच्चों यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन, मतलब कि वहां से फॉस्फेट को हटा दिया जाएगा। और जब वहां से फॉस्फेट हट जाएगा तो अगेन हमारे पंप में आता है कन्फर्मेशनल चेंज, और कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, तो पोटाशियम वहां से अभी हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। नाउ द पोटाशियम आयन विल गेट डिसोसिएटेड। सो दिस इज हाउ द सोडियम पोटाशियम पंप वर्क। आप लोग एक चीज को देख सकते हो कि जब तक यहाँ पे फॉस्फेट अटैच्ड है, जब तक यहाँ पे फॉस्फेट अटैच्ड है, तब तक वो बाहर की तरफ ओपन है। जैसे फॉस्फेट हट गया, इमिडिएटली उसमें आ गया कन्फर्मेशनल चेंज एंड नाउ वी कैन सी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर हियर। नाउ वी कैन सी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर हियर। इज दिस पार्ट क्लियर? सबसे पहले तीन सोडियम आयन्स बाइंड होंगे, फिर एटीपी जाएगा वहां पे, फॉस्फोराइलेशन होगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, सोडियम्स बाहर निकलेंगे, पोटेशियम्स आएंगे, डीफॉस्फोराइलेशन होगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, पोटेशियम रिलीज होंगे एंड नाउ दे आर रेडी टू टेक न्यू सोडियम आयन्स विद इट। ठीक है, देखो सीक्वेंसेस पूछते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर, आपको बोलेंगे आरओ के फॉर्म में, सोडियम आयन बाइंड्स फॉस्फोराइलेशन, पोटेशियम आयन बाइंड्स डीफॉस्फोराइलेशन, आपको ऐसे भी कभी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि साक्षी वहां पे तीन सोडियम को ही रखने की जगह है, वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में एक एक टाइम पे तीन सोडियम आयन्स ही फिट बैठ सकते हैं। और वो पंप को उस तरीके से डिजाइन ही किया गया है ना कि उसमें सिर्फ तीन सोडियम एक बार में बैठ सके। बस नेक्स्ट पंप इज दी कैल्शियम पंप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज दी कैल्शियम पंप। अब देखो कैल्शियम आयन्स क्या होते हैं, तो कैल्शियम को हम लोग हमेशा स्टोर कहाँ पे करते हैं, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन दी बोन्स, क्योंकि जब भी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे व्हेन देयर इज लो कैल्शियम लेवल, तो रिलीज होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसके रिस्पॉन्स में फिर काम करते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स और वो बोन्स में से कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं। बोन्स में से वो कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे एंड देन द कैल्शियम आयन्स एंड देन द कैल्शियम नीड्स दे विल बी फुलफिल्ड। और कैल्शियम की नीड्स फुलफिल करने की वजह से क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम की नीड्स फुलफिल करने की वजह से जो भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम था, नाउ इट विल कम बैक टू द नॉर्मल लेवल। अब अगर हम बात करते हैं इन कैल्शियम आयन्स की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम को एक तो आप रखते हो बोन्स के अंदर, या तो जो आयन फॉर्म्स में जिनकी जरूरत हमको पड़ती है दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेसिफिकली बात करूँ मैं तो इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो कॉल्ड एज दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कैल्शियम आयन्स को स्टोर करके रख रहे हैं इन टू दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमको क्या करना है, तो हमको यही साइकिल चलानी है। हमको क्या करना है, हमको अगर हमारे पास ये सेल है और हमारे सेल में अगर ये प्रेजेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या हो जाएगा, हमको कैल्शियम आयन्स को SER के अंदर ही ऐड करवाना है। हमको कैल्शियम को SER के अंदर ही ऐड करवाना है। यहाँ पे है ये पंप, उस पंप से कैल्शियम को अंदर लाया जाएगा। अब लाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखो यहाँ पे स्टेप्स थोड़े से अलग हो रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये साइकिल समझाती हूँ, फिर मैं आपको कंपेरेटिव बताऊंगी कि इसमें और सोडियम पोटाशियम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक इवन कॉन्फिग्रेशन है, उसको आके एटीपी बाइंड हो रहा है। उसके बाद में हो रहा है कैल्शियम की बाइंडिंग,
उसके बाद में एटीपी का हो रहा है हाइड्रोलिसिस, एटीपी का हो रहा है ब्रेकडाउन, वहां से एडीपी रिलीज हो रहा है और फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। एंड जब हो रहा है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये E1 से E2 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और E2 कॉन्फ़िगरेशन में आ गया तो क्या हो जाएगा, नाउ इट कैन रिलीज द कैल्शियम आयंस। और फिर जब इसके कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाते हैं तब ये अभी अंदर की तरफ ही ओपन है, आप देख सकते हो। और उसके बाद क्या हो रहा है, जब यहाँ से होता है डीफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद में इट विल गो बैक टू द E1 कॉन्फ़िगरेशन, फिर वो जाता है अगेन बैक टू द E1 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ दीज आर द स्टेप्स। अब सोडियम पोटेशियम पंप पे हमने क्या देखा था, वहां पे पहले सोडियम बाइंड होता था, फिर वहां पे डायरेक्टली आता था फॉस्फोराइलेशन होता था, और फिर चैनल ओपन होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एटीपी बाइंड हो रहा है, फिर यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, फिर वो जा रहा है E2 कॉन्फ़िगरेशन में, फिर कैल्शियम रिलीज हो रहा है, फिर फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, और वापस से आ रहा है यहाँ पे E1 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? आपको हर पंप का ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किसके बाद में क्या चीज़ हो रही है। जो इंपॉर्टेंट है मैं करवाऊंगी जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है हमको हर चीज़ का नहीं लर्न करना है पूरा, पर जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर दिस पार्ट? क्लियर यहाँ तक की बातें? नेक्स्ट इज दी गैस्ट्रिक प्रोटॉन पोटेशियम पंप। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गैस्ट्रिक प्रोटॉन पोटेशियम पंप। ये प्रेजेंट रहता है ऑक्सेंट्रिक सेल ऑफ स्टमक के अंदर, ये स्टमक में पाया जाता है। स्टमक का जो एसिडिक पीएच है, स्टमक में जो एसिडिक पीएच है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा ये प्रोटॉन पोटेशियम पंप। अब अगर आप ध्यान से देखो, देखो बहुत सारे पंप्स हैं यहाँ पे, हमारा काम फिलहाल सिर्फ इससे है तो हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। ये जो हमारा पंप है ये क्या कर रहा है, एटीपी को यूज करेगा और ये प्रोटॉन को पंप करता है इनसाइड दी स्टमक, प्रोटॉन को बाहर लेके जा रहा है, उसके एक्सचेंज में वन सोडियम आयन विल गो इनसाइड। और यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरीन चैनल भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लोरीन और ये प्रोटॉन जब हमारे स्टमक के लुमेन में जाते हैं तो इस प्रोटॉन और क्लोरीन इससे बनता है HCl, एंड दिस HCl इज एसिडिक और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जनरेटिंग दी एसिडिक पीएच इन दी स्टमक। तो जो आपका गैस्ट्रिक प्रोटॉन पोटेशियम पंप है, दिस पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एसिडिफिकेशन वी कैन से। और एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, तो स्टमक का पीएच काफ़ी लो करना है, और लो कैसे करेंगे, जब हम स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को अक्यूमुलेट करेंगे। और वो ज़्यादा एसिड कब आएगा, जब ये क्लोरीन और प्रोटॉन्स रहेंगे तो यहाँ पे बनेगा सेल के अंदर में HCl, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोअरिंग डाउन ऑफ पीएच इन दी स्टमक। ठीक है, क्लियर दिस पार्ट? ये आपका थर्ड टाइप ऑफ पंप है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ पंप इज दी प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, तो ये एक होता है बच्चों मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप। ये प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में प्रेजेंट रहता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये प्रोटॉन आयंस को आउटसाइड दी सेल। ये क्या करेगा, तो प्रोटॉन को ये बाहर सेल से बाहर की तरफ में पंप आउट करेगा। प्रोटॉन आयंस, प्रोटॉन पंप्स कॉन्सेंट्रेट प्रोटॉन्स बिहाइंड दी मेम्ब्रेन। ये पंप क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, तो सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -200। अब सोचो सेल में कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, और वी कैन से कितनी नेगेटिविटी चाहिए है। अगर प्लांट्स का हमारे, तो मैंने कहा कि अपना तो -70 के आसपास था, ये -200 है, मतलब कि और नेगेटिव। और अगर सेल आपको और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ लेके जाना है, तो सेल में जितने भी पॉजिटिव आयंस रहते हैं सबको बाहर थ्रो आउट करना पड़ता है। सो दिस इज वन सच प्रोटॉन पंप। ये क्या करता है, तो प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ में पंप आउट करता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और फंजाई के अंदर में देखा जाता है। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटॉन पंप। तो ये हैं आपके सारे पी टाइप ऑफ पंप। हम लोग ने चार पंप्स डिस्कस किए हैं डिटेल में, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, प्रोटॉन पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन पंप। हाँ जी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ पंप इज द एफ टाइप पंप। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फर्नांडिस। इस एफ टाइप पंप में दो डोमेन होते हैं। अगर ये हमारा मेम्ब्रेन है,
अगर ये हमारा मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में इस तरीके से दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है वो कहलाता है F0 डोमेन, और जो डोमेन बाहर प्रेजेंट रहेगा वो कहलाता है F1 डोमेन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस F टाइप ऑफ ATPase, तो इस F टाइप ऑफ ATPase में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टाइप के डोमेन हैं F0 एंड F1। F0 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है मेम्ब्रेन का, इसमें A, B और C सब यूनिट्स पाए जाते हैं, और एक होता है बाहर वाला डोमेन जिसमें 5 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है हमारा ये F1। सो वन इज द पेरिफेरल पार्ट एंड वन इज द इंटीग्रल पार्ट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे F टाइप ऑफ पंप का, और आप लोगों को क्लासिक एग्जांपल पता है F0 F1 पार्टिकल विच इज द ATP सिंथेस। ATP सिंथेस से क्या बता सकते हो, कितने प्रोटॉन्स मूव होते हैं तब जाके एक ATP बनता है, कितने प्रोटॉन्स मूव होते हैं बाय ATP सिंथेस जिससे हमारा एक ATP बनता है। ATP सिंथेस की बात कर रही हूँ मैं बस। ATP सिंथेस से कितने प्रोटॉन्स मूव होंगे तब जाके हमारा एक ATP बनेगा। सो गए क्या? फोर ATP सिंथेस से 4 प्रोटॉन्स मूव होते हैं क्या? इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? ठीक है, देखो क्या होता है ना, हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 2 होता है, कॉम्प्लेक्स 3 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है, उसके आगे प्रेजेंट रहता है हमारा ये ATP सिंथेस। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, यहाँ से भी प्रोटॉन्स जाते हैं, यहाँ से प्रोटॉन्स जाते हैं, यहाँ से प्रोटॉन्स जाते हैं, जिससे क्या हो चुका है, तो इस तरफ में काफ़ी सारा प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो चुका है। जब यही प्रोटॉन्स अंदर आएंगे, जब ये प्रोटॉन्स अंदर आते हैं तो क्या होता है, उस केस में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे मिलके बनाया जाता है ATP। और कितने प्रोटॉन्स अंदर आते हैं, 3 प्रोटॉन्स अंदर आएंगे तब जाके बनता है हमारा ATP। बट सम पीपल आर सेइंग 4 प्रोटॉन्स। व्हाई दे आर सेइंग 4 प्रोटॉन्स, क्योंकि हमारे इसी मेम्ब्रेन में एक और सिम पोर्टर काम करता है, जिसको हम पढ़ेंगे आज, एक और सिम पोर्टर काम करता है। इस सिम पोर्टर में क्या होता है, तो ये एक प्रोटॉन को लेके आता है, और ये प्रोटॉन जब आएगा उसके साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। तो देखा जाए तो एक ATP बनाने के लिए, फॉर वन ATP सिंथेसिस वी रिक्वायर 4 प्रोटॉन्स, ट्रू, पर ATP सिंथेस को लगते हैं 3 प्रोटॉन्स, एंड 1 प्रोटॉन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, यस अमोल, हाउ आर यू? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 प्रोटॉन्स है, उसमें से 3 प्रोटॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है हमको ATP सिंथेस को स्पिन करने के लिए, और फिर वी कैन से पार्टिकल को स्पिन करने के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट दी 4th प्रोटॉन, तो 4th प्रोटॉन इज रिक्वायर्ड फॉर दी सिम पोर्टर, कि जब वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अंदर लेके आया जाएगा तब हमको एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है। आई टेक सैयद, CSR के क्लासेस भी लेती हूँ मैं। इज दिस क्लियर? तो क्या बोलोगे आप, अगर आपको मैंने पूछा कितने प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं टू स्पिन द ATP सिंथेस, 3 प्रोटॉन्स, बट ATP बनाने के लिए 4 प्रोटॉन्स लगते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन लग रहा है टू ब्रिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इतने प्रोटॉन्स लग रहे हैं टू स्पिन द ATP सिंथेस, दे आर रिक्वायर्ड टू स्पिन द ATP सिंथेस। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज कंफर्म। कोई बात नहीं, मिस्टेक यहाँ करो, एग्जाम में नहीं करना। गुड मॉर्निंग आशीष, ओके, चलिए जी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है अबाउट दी F टाइप ऑफ ATPase, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ पंप इज दी V टाइप। देखो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने जो डिटेल में करवाना था मैंने डिटेल में करवाया है, जो कम है उसको हम
डिस्कस करेंगे, उनकी तो पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, सेकेंडरी भी पढ़ेंगे आज, ताकि हम कल SER स्टार्ट कर सकें। फिर अगर हम बात करते हैं वी टाइप ऑफ ATPase की, तो वी टाइप ऑफ ATPase में क्या देखने को मिलता है, आज हम कंप्लीट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, कंप्लीट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इन वन लेक्चर, प्रोबेबली 2 आवर्स का लेक्चर है हमारा और आधे घंटे चलेगा प्रोबेबली। वी टाइप का मतलब होता है वैक्यूलर टाइप ऑफ प्रोटोन ATPase, दे आर हाईली कंजर्व, ये बहुत कंजर्वड है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल्स में, लाइसोसोम्स में, एंडोसोम्स में, गॉल्जी एपैरेटस में, इन जगह पे पाए जाते हैं हमारे ये वी टाइप के ATPase। ये मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट में भी देखे जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट में हम बोलते हैं बोन मैक्रोफाज, इनको हम बोलते हैं बोन मैक्रोफाज। जो हमारा ये V1 टाइप का जो डोमेन है, इस डोमेन में अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं ABCDEFGH, और जो हमारा V0 डोमेन है, और जो हमारा V0 डोमेन है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ACC'C'DE, ये सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। यू कैन जस्ट लुक इन टू दिस डायग्राम, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो A है, C, C'C, इस तरीके से सब यूनिट्स प्रेजेंट है। इन केस ऑफ एफ टाइप सिर्फ ए बी और सी तीन ही सब यूनिट्स थे आपके जो इंटीग्रल पार्ट के थे, बाकी सारे सारे पेरिफेरल में हैं, पर वी में ऐसा नहीं है, वी में इंटीग्रल में भी काफ़ी सारे सब यूनिट्स हैं और पेरिफेरल में भी काफ़ी सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं। वी टाइप का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करे, इनका भी जो मेन काम होता है बच्चों वो होता है प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करे। नाउ इमेजिन अगर ये एक बोन है, ठीक है, एक सपोज मैं आप लोगों के लिए अगर एक बोन ड्रॉ करूँ, थोड़ा बन पाए मेरे से तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से एक ऑस्टियोक्लास्ट सेल रहेगा, ये है सपोज ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब जो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है ना, यहाँ पे हमारे ये पंप प्रेजेंट, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन पंप प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से प्रोटॉन सारा का सारा अंदर आएगा। अब मुझे बताओ अगर कहीं पे होता है प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन, तो पीएच हमारा इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? यस सुयोग, हम पूरी सेल बायोलॉजी को एक कंप्लीट रैपिड रिवीजन करेंगे इसमें। सैयद, 8th of January से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है CSR की, 8th of January से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है CSR की, उस पर फिलहाल मुझे जहाँ तक आइडिया है कुछ अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन एनरोल इन दैट बैच। यस आशीष, तो सेल बायोलॉजी बाकी एग्जाम में नहीं आता है, नहीं आता है तो मत पढ़ना, डिक्रीज होगा पीएच, है ना, और दैट दिस डिक्रीज्ड पीएच लीड्स टू डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, दिस लीड्स टू डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ठीक है। वी आर टारगेटिंग सेट, तो सेट को फोकस करके मैं कंटेंट लेके आई हूँ, बट यस बाकी एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बेनिफिशियल है, यूजफुल है आपके लिए। ओके सो क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल की, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स में प्रोटॉन पंप्स होते हैं, प्रोटॉन पंप से पीएच कम होता है, दैट लीड्स टू दी डीमिनरलाइजेशन, बिल्कुल दैट लीड्स टू डीमिनरलाइजेशन। ओके लाइसोसोम्स के अंदर में भी प्रोटॉन्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस लीड्स टू देन लेस पीएच, एंड लेस पीएच तो भी चाहिए ही हमको, बिकॉज वहाँ पे हमको एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करना है। सो दिस इज अबाउट दी लाइसोसोम्स एंड दी ऑस्टियोक्लास्ट, यूनिटी है ना, यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिख रही है मुझे, CUET गेट, यस बाबा सेल बायोलॉजी कौन से एग्जाम में नहीं आता है बता दो, ठीक है चलो। सो इज दिस पार्ट क्लियर, सो वी टाइप और एफ टाइप में क्या देखो कि एफ टाइप में हमारा एक ही एग्जाम्पल होता है ATP सिंथेस F0F1 पार्टिकल, वी टाइप जो है जहाँ जहाँ पे आपको पीएच लोअर डाउन करना है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स है, एंडोसोम्स है, गॉल्जी है, वहाँ वहाँ पे हमको ये पंप्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ABC ट्रांसपोर्टर्स, ये जो ABC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, तो ABC का मतलब होता है ATP बाइंडिंग कैसेट, इनका मतलब होता है ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स। इसमें भी देखा जाते हैं दैट देर आर 4 प्रोटीन डोमेन्स,
दो ट्रांसपोर्टर डोमेन होते हैं और दो यहाँ पे होते हैं एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स। अब इनको हम बोलते हैं इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना। ये क्या करते हैं, तो जो भी हमारे लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मूव कराने का काम करते हैं हमारे ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। इनकी डिस्कवरी हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी कैंसर सेल्स। ये जो विनक्रिस्टीन है, विनब्लास्टीन है, इनको यूज़ किया जाता है फॉर दे आर दे एंटी कैंसर ड्रग्स, है ना। ये आपके माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स के वहाँ पे आप इनको रेफर करते हो। सो विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन को यूज़ किया जा रहा था टू किल द एनिमल सेल लाइंस को यूज़ किए गए थे और वहाँ पे हम एंटी कैंसर ड्रग्स को टेस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या पता चला था कि ये ड्रग्स जो थे वो कैंसरस सेल्स को किल कर पा रहे थे। बट आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम रिसर्च, इट वॉज सीन दैट कि इन ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था कैंसरस सेल्स पे। तो जब बहुत इन पर स्टडी किया गया कैंसर सेल को, तो पता चला कि कैंसर सेल्स क्या करते थे, द कैंसर सेल्स दे वेर एक्सप्रेसिंग दीज ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स। और ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, तो ये ड्रग्स को बाहर की तरफ पंप आउट करते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स पंप क्या करते हैं, तो ड्रग्स को बाहर की तरफ में पंप आउट करते हैं। सो दीज ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स में हमारे ऐसे ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, हमारे ऐसे पंप्स आते हैं जो क्या करते हैं, तो जो ड्रग्स को बाहर की तरफ पंप आउट कर सकते हैं या किसी बड़े मॉलिक्यूल को इंटरनलाइज भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। इवन अगर आपने पढ़ा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि वहाँ पे अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम दी एनवायरनमेंट। तो नेकेड डीएनए को एनवायरनमेंट से अपटेक किया जाता है एंड दैट अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए इट इज़ डन बाय आल्सो वन एबीसी ट्रांसपोर्टर ओनली। तो ये होता है आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर। एग्जांपल्स में आपका ये होता है ना, टैप ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद दी एंटीजन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा जो भी एंटीजन होता है, जो प्रोसेस्ड एंटीजन है, उसको ईआर के अंदर लेना है। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारा जो ईआर है, इस ईआर के अंदर में ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, तो जो भी एंटीजन प्रोसेस होते हैं आपके प्रोटीजोम्स के अंदर, उनको हमको फिर इंटरनलाइज भी तो करवाना है। तो ये होते हैं आपके टैप, और ये टैप एक तरीके का होता है एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो जो ये पेप्टाइड्स रहते हैं, उन पेप्टाइड्स को अंदर लेके आना ताकि वो एमएचसी के ऊपर में लोड करवाया जा सके, ये काम भी करता है वो पेप्टाइड, वो एंटीजेनिक पेप्टाइड को अंदर आने का काम करता है हमारा एक एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है अबाउट द एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। सो हियर वी कंप्लीट द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके जो चार टाइप्स होते हैं, पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। क्या इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, क्या इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? हाँ जी। नाउ देयर आर सम अदर पंप्स। ये कुछ अदर पंप्स है, जैसे कि बैक्टीरियल रोडोप्सिन होता है। अब ये क्या करता है, ये एटीपी यूज नहीं करता है, ये लाइट एनर्जी को यूज करता है। वी हैव सम बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं बच्चों बैक्टीरियो रोडोप्सिन को। क्या होता है, तो जब लाइट स्ट्राइक करता है तब हमारे बैक्टीरियल रोडोप्सिन एक्टिवेट होते हैं और ये प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ पंप आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अभी जो भी ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे सारा का सारा प्रोटॉन जाके अक्यूमुलेट हो रहा है। अब यही प्रोटॉन जब अंदर आता है वाया एटीपी सिंथेस, ये प्रोटॉन जब अंदर आते हैं वाया एटीपी सिंथेस, तब क्या होता है बच्चों, तो तब ये एटीपी सिंथेस करवाता है एटीपी का प्रोडक्शन, तब ये करवाता है एटीपी का प्रोडक्शन। सो ये एटीपी जब प्रोटॉन जब अंदर आएंगे, तो दे विल बी नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो बैक्टीरियल रोडोप्सिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पर यहाँ पे एटीपी यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइट को यूज किया जा रहा है एंड दिस इज ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया। अगर आप लोगों को कुछ होमवर्क चाहिए, क्या मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क, आप लोग लेक्चर के बाद में कॉमेंट बॉक्स में मुझे बैक्टीरिया का नाम बताना कि कौन सा बैक्टीरिया है जिनके पास में रोडोप्सिन होते हैं, ये वाले बैक्टीरियल रोडोप्सिन। सबके पास नहीं होते, कुछ कुछ के पास होते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। बस आखिरी के 10-15 मिनट है, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है, आप लोग थके नहीं हो ना भाई? मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ 8 o'clock से, मॉर्निंग 8 to 10 आई टुक द गेट सेशन, अभी 10 to 12 अप्रॉक्सीमेटली हम ये सेशन ले रहे हैं।
मैं 4 घंटे से पढ़ा सकती हूँ, तो आप लोग को थकना नहीं चाहिए अब तक। ओके प्रतीक, ठीक है, एक बार कंफर्म करके आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर में सबको बताना है। डू टेल इन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन से बैक्टीरिया है जिनके पास में बैक्टीरियल रोडोप्सिन होता है। ये गेट एक्सेल जो टारगेट कर रहे होंगे, गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी में डेफिनेटली काम आएगा। चलो अब हम बात करते हैं अबाउट दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं अबाउट दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी सेल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ही करने वाले हैं। एक्टिवली मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे भी सेल जो रहेगा वो हमारा मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट। एक्टिव है मतलब क्या है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा। पर यहाँ पे एटीपी यूज नहीं होगा, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक ग्रेडियंट यूज होगा। और ये ग्रेडियंट कौन जनरेट करेगा, जनरेट करेगा हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करेगा, उसके काम करने से एक ग्रेडियंट जनरेट होगा। उस ग्रेडियंट के जनरेट होने की वजह से क्या होने वाला है, तो उस ग्रेडियंट की वजह से हमारा एक और पंप काम करेगा, एंड दैट पंप विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली एनर्जी एटीपी को यूज कर लेगा, बट हमारा जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी को यूज करेगा, बट विच एनर्जी, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इट विल यूज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आयंस हियर। ठीक है, सो देख सकते हो आप लोग, जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करेगा, हो सकता है पोटेशियम सोडियम आयन का चैनल काम कर रहा है। जब सोडियम बाहर जाएगा तो क्या हो गया है, सोडियम का लेवल बाहर ज़्यादा हो जाएगा। तो सोडियम का लेवल अंदर कम है, सोडियम का लेवल बाहर ज़्यादा है, तो नाउ द सोडियम विल कम अलोंग इट्स ग्रेडियंट। पर जब ये चीज़ होगी तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट। आई बात समझ में? तो जब हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करेगा, तो उसके काम करने की वजह से सोडियम बाहर ज़्यादा हो रहा है, और वो सोडियम जब बाहर से अंदर आएगा बच्चों, उस टाइम पे ग्लूकोज भी साथ साथ में अंदर आ जाएगा, मौके का फ़ायदा उठा के। एंड वन मॉलिक्यूल कम अलोंग इट्स ग्रेडियंट, अदर मॉलिक्यूल कम अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट। तो हम लोगों को यही एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे दो वर्ड्स आप पढ़ते हो, एक होता है एंटीपोर्टर और एक वर्ड होता है सिम्पोर्टर। अगर हम बात करते हैं बच्चों एंटीपोर्टर की, तो व्हाट इज एंटीपोर्टर, कि भाई अगर एक प्रोटीन है, वन मॉलिक्यूल कम इनसाइड, अदर मॉलिक्यूल विल गो आउटसाइड। वन मॉलिक्यूल कम्स इनसाइड, अदर मॉलिक्यूल गोज आउटसाइड। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस सिम्पोर्टर, तो सिम्पोर्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स या तो अंदर आएंगे, या हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर जाएंगे। ओके, यस, डिफरेंट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन, ट्रू। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। पहले हम बात कर लेते हैं सिम्पोर्टर की, उसके बाद हम बात करेंगे एंटीपोर्टर की। सिम्पोर्टर में क्या होने वाला है, दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव करने वाला है। एग्जाम्पल फॉर दिस इज सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, एग्जाम्पल होता है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर हियर। ओके, SGLT, सोडियम ग्लूकोज एंड सिम्पोर्टर। एंड अगर हम बात करते हैं एंटीपोर्टर की, तो एंटीपोर्ट में क्या होने वाला है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं एक कैल्शियम सोडियम पंप को देखेंगे, कि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से कैसे हमारा एक कैल्शियम सोडियम पंप काम करता है, दैट वी विल डिस्कस इन फ्यू मिनट्स। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस सोडियम ग्लूकोज पंप, अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस सोडियम ग्लूकोज पंप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से याद रख लेना प्लीज। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, एज वेल एज किडनी ट्यूब्स में भी ये प्रेजेंट रहता है। मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आप डायग्राम देख लेना अच्छे से। हाँ जी, सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अब देखो ये है बच्चों SGLT2, ये है हमारा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। अब आप देखो यहाँ पे काम कर रहा है सोडियम पोटेशियम, मैं आपको नंबर 1 दे रही बिकॉज पहले ये काम करेगा। ओके, जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो क्या हो जाएगा,
सारा सोडियम सेल के बाहर जा रहा है। इसका मतलब सेल के अंदर सोडियम का लेवल लो है और सेल के बाहर सोडियम का लेवल हाई है। जब ये कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा? अब जब आप फूड कंज्यूम करते हो तो खाने में सॉल्ट होता है, हमारे बॉडी फूड में सॉल्ट है, तो बाहर सोडियम का लेवल हाई है और सेल के अंदर सोडियम का लेवल लेस है, तो क्या हो जाएगा? सोडियम इजीली अंदर जाएगा, सो सोडियम विल गो अलोंग इट्स ग्रेडियंट। पर यही साथ साथ में क्या होता है, यही साथ साथ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो रहता है वो चला जाता है अंदर अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो वन मॉलिक्यूल इज गोइंग अलोंग इट्स ग्रेडियंट, अनदर मॉलिक्यूल इज गोइंग अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरी वन? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरी वन? अब देखो बच्चों, हमारे पास में SGLT जो है ये दो अलग अलग टाइप से होते हैं। वी हैव दिस सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऑफ टू टाइप्स, SGLT1 भी होता है, SGLT2 भी होता है। क्या याद रखना है, देखो डायग्राम को भूल जाओ चलेगा। SGLT1 क्या करता है, दो सोडियम आयन्स को अंदर लाता है। SGLT2 क्या करता है, तो ये एक सोडियम आयन के बदले में एक ग्लूकोज को अंदर लेके आता है। ये एक मेन डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो क्या याद रखोगे, इफ वी टॉक अबाउट दी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर वन, तो यहाँ पे दो सोडियम विथ वन ग्लूकोज एंड टू के केस में वन सोडियम विथ वन ग्लूकोज। ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन में मैक्सिमम हम यूज करते हैं किसको? मैक्सिमम वी यूज दी SGLT2, मैक्सिमम वी यूज द SGLT2 ज़्यादा यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग SGLT1 को भी यूज करते हैं। एंड SGLT1 क्या रहता है, तो दे आर फाउंड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन दी किडनी। SGLT2 मेनली कहाँ रहता है, किडनी में रहता है प्रेजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग द यूरिन मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा यूरिन में से, बिकॉज ग्लूकोज इज यूजफुल टू अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट, उससे हम लोग एनर्जी को और ज़्यादा डिराइव कर सकते हैं। सो SGLT1 SGLT2 को आपको ध्यान में रखना है। इज द फर्स्ट सिंपोर्टर क्लियर टू एवरी वन? पहला समझ में आया सभी को? फर्स्ट क्लियर टू एवरी वन? सेकेंड सिंपोर्टर है बच्चों सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर। सेकेंड है हमारा सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर। कल से दिन इतना लेट नहीं होगा, डोंट वरी, आजकल टॉपिक इतना बड़ा है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, कल हमारा हो जाएगा एक डेढ़ घंटे में कंप्लीट। इफ यू टॉक अबाउट दी सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर, इसको हम बोलते हैं सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर भी बोला जाता है। ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तो एक बार में दो सोडियम आयन्स को अंदर लेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ ईच आयोडाइड आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू सोडियम एंड वन आयोडाइड आयन को एक बार में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये भी सिंपोर्टर है, मतलब कि एक डायरेक्शन में ही हो रहा है। एंड दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दी थायरॉयड हार्मोन बायोसिंथेसिस। जब थायरॉयड हार्मोन बनाना है तो उसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है ये आयोडाइड आयन, और इसको ही लाने के लिए हम लोग इस पंप को यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप देख सकते हो जब सोडियम पोटाशियम पंप चलेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा, और अगर सोडियम बाहर गया तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और सेल के बाहर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस सोडियम विल नाउ ईजिली कम इनसाइड, और जब सोडियम अंदर आएगा तो साथ साथ में ये आयोडाइड को भी अंदर लेके आएगा। और जब ये आयोडाइड अंदर आते हैं, जब ये आयोडाइड अंदर आते हैं तो ये आयोडाइड को फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर दी थायरोक्सिन सिंथेसिस। देखो ये जो आयोडाइड अंदर आया है इसको फर्दर हम यूज़ करते हैं फॉर दी सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। ये बात आप लोग एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हो डिटेल में, हमको सिर्फ पंप याद रखना, दैट्स व्हाई आई हैव शोन दिस डायग्राम, ताकि आपको सिर्फ याद रहे, ठीक है? कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो अलग पार्ट है, वो हमको आज नहीं पढ़ना है, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जो भी हमारा यहाँ पे ये पंप है, जो भी हमारा ये सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर है, इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन्स। बिकॉज अगर सिंपोर्टर काम करेगा तो आयोडाइड आयन अंदर आएगा, अगर आयोडाइड आयन अंदर आता है तो ही हमारे ये हॉर्मोन का सिंथेसिस होगा।
नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोटॉन पाइरूवेट इंपोर्टर, इसकी बात हमने की थी आज ही, कहाँ प्रेजेंट है देखो, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स, बताया था आपको मैंने, इसकी बात हमने आज ही डिस्कस की है, कहाँ डिस्कस की है, यस इंपोर्टर, आई हैव टोल्ड यू ना, इसको हम एक और बार डिस्कस करेंगे आज, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा एक सिंपोर्टर है, ये कहाँ प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, तो ये दो प्रोटॉन्स नहीं, तो एक प्रोटॉन और एक पाइरूवेट को अंदर लेके आता है, ये क्या करता है, एक सेकेंड, ये दूसरा है प्रोटॉन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला दूसरा है, आई एम सो सॉरी मैंने चीज़ को मिस कर दिया, नहीं ये दूसरा पंप है, वो दूसरा पंप है, लोकेशन सेम है, बोथ आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ओनली, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाइरूवेट को अंदर लाया जा रहा है। अब आपको ये बात याद है कि हमारे सेल के साइटोसोल में होता है ग्लाइकोलिसिस, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है वहाँ पे, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरूवेट, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे सेल में ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस पाइरूवेट इज बॉट इनसाइड, और फिर ये पाइरूवेट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एसिटिल को ए, फिर ये अलोंग विद ऑक्सालो एसिटिक एसिड क्या बनता है, फिर ये टीसीए साइकिल चलाएगा और आपका फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करेगा। तो ये जो पंप है ना, जो ये पाइरूवेट को अंदर लेके आ रहा है, ये जो पंप है जो पाइरूवेट को अंदर लेके आ रहा है, दैट पंप इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन पाइरूवेट सिंपोर्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन पाइरूवेट सिंपोर्टर। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, दो प्रोटॉन के साथ में एक पाइरूवेट अंदर आता है, आई एम सो सॉरी मैंने आपको एक गलत पाथवे बता दिया था, तो दिस इज अ टू प्रोटॉन वन पाइरूवेट, हम उसको भी पढ़ेंगे, मैंने मिस रीड कर लिया, वो आपका वन प्रोटॉन वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये वाला रहेगा, ये आपका है टू प्रोटॉन्स वन पाइरूवेट, ठीक है, सो यस दिस इज अ सिंपोर्टर, इसको हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलेट सिंपोर्टर बोला जाता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है पाइरूवेट को इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा अलोंग अ प्रोटॉन। नेक्स्ट इज द लैक्टोज प्रोटॉन पंप, आपको याद है ओपेरॉन्स में होते हैं ना लैक वाई, लैक वाई क्या होता है, लैक वाई से बनता है लैक्टोज परमीज, बैक्टीरिया कभी भी लैक्टोज को सेल के अंदर स्टोर करके नहीं रखता है, लैक्टोज हमेशा बाहर रखा रहता है, जब लैक ओपेरॉन काम करता है तब लैक्टोज परमीज को बना के रिक्रूट किया जाता है और फिर लैक्टोज परमीज के थ्रू लैक्टोज सेल के अंदर आता है, सो जो लैक्टोज अंदर आएगा तो वो एक पंप से अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोज प्रोटॉन पंप, यहाँ पे 12 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलाइसिस प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स से क्या होता है, तो इससे वो प्रोटॉन को अंदर लेके आते हैं, इस चीज़ से प्रोटॉन को वो अंदर लेके आते हैं, और जब प्रोटॉन अंदर आएगा तो उसके साथ में हमारा लैक्टोज भी अंदर आता है, सो दिस इज ए लैक्टोज ट्रांसपोर्टर, इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन अंदर आ रहा है उसके साथ साथ में लैक्टोज भी अंदर आ रहा है, ठीक है, एंड यस द लास्ट इज द एंटीपोर्टर, लास्ट इज द एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे चीज़ें ऑपोजिट में जाने वाली है, ऑपोजिट में जाएगी तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ओनली वन एग्जाम्पल, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, इसको आप NCX नाम से भी देखते हो कहीं कहीं पे, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इस नाम से भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हमारा एक सिस्टम है जो क्या करता है, सेल को कैल्शियम के सॉरी एक कैल्शियम के लेवल को लो रखता है हमारी बॉडी के अंदर, एज आई टोल्ड यू बॉडी मतलब कि सेल के अंदर कैल्शियम को या तो आप स्टोर कर दो SER में या तो सेल के बाहर फेंक दो, क्योंकि अगर कैल्शियम रहेगा तो फिर वो सेल फ्यूजन वो कुछ तो भी चीज़ें करवा सकता है, सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट ऑलवेज केप्ट फ्री फ्लोइंग, दे आर वेरी टाइटली रेगुलेटेड, सो दिस NCX और दिस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ये एक एंटीपोर्टर है, ये क्या करता है, तो ये सोडियम पोटाशियम पंप की एनर्जी को यूज़ करेगा, इट विल यूज द एनर्जी ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप हियर, यस दैट इज ट्रू अंकिता, क्या हो जाएगा, एक सिंगल कैल्शियम आयन विल बी एक्सपोर्टेड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ 3 सोडियम आयन्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है,
तो थ्री सोडियम आयंस एंड वन कैल्शियम आयन का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। जब तीन सोडियम अंदर आएंगे तब एक कैल्शियम आयन हमारा बाहर जाता है। ठीक है, अब इस पंप को ध्यान से समझना, इस पंप को ध्यान से समझना। जब काम करता है हमारा सोडियम पोटाशियम पंप तो क्या हो रहा है, सोडियम इज गेटिंग पम्प्ड आउट एंड पोटाशियम का हो रहा है एंट्री। जब सोडियम बाहर की तरफ पंप आउट होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सेल के अंदर में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। जब सोडियम बाहर जाएगा तो सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और सेल के बाहर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब यही इंक्रीज्ड सोडियम, जब यही इंक्रीज्ड सोडियम सेल के अंदर आता है तब कैल्शियम बाहर जाएगा। जब यही सोडियम आयन सेल के अंदर आता है तब कैल्शियम आयन्स हमारे बाहर निकल जाते हैं। एंड वही हमको चाहिए है कि हमको सेल के अंदर में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज नहीं करना है। एंड दैट इज़ हाउ दिस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इज वर्किंग। इस तरीके से NCX हमारा काम कर रहा है। इज दिस पार्ट क्लियर? क्या ये पार्ट क्लियर हुआ आप सभी का? सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तभी हमारा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी काम करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ एक हमारा ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। उस ड्रग को हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग इनिबिट करता है सोडियम पोटाशियम पंप को। ये ड्रग क्या करता है, दिस ड्रग इनिबिट्स सोडियम पोटाशियम पंप। तो क्या हो जाएगा, वी हैव अ ड्रग कॉल्ड एज डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन क्या करता है, ये डिजिटलिस प्यूपरिया प्लांट से मिलता है हमको। और ये ड्रग क्या कर देगा, ये ड्रग सोडियम पोटाशियम पंप को इनिबिट कर देगा। अब देखो बच्चों क्या हुआ है, अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, उसका हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको दिया जाता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड दैट इज डिजिटॉक्सिन। ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है सोडियम पोटाशियम पंप को। अगर सोडियम पोटाशियम पंप काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा। अगर सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर में सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा और सेल के बाहर सोडियम का लेवल कम रहेगा। अगर सेल के अंदर ही सोडियम ज्यादा है, बाहर सोडियम कम है, तो सोडियम बाहर से अंदर नहीं आएगा। अगर सोडियम बाहर से अंदर नहीं आएगा तो कैल्शियम भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा। अगर कैल्शियम अंदर से बाहर नहीं गया तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। एंड वेन देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पे फिर आपका जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमोडुलिन है, वो सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे करवाते हैं फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये करवाते हैं बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट बीट नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उस टाइम पे क्या किया करवाया जाता है, टू परफॉर्म दी मसल कॉन्ट्रैक्शन सेल के अंदर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। और वो बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारा ये सोडियम पोटाशियम पंप को इनिबिट करके परफॉर्म करवाई जा सकती है। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू ऑल? सो हियर वी कंप्लीट दी हियर वी कंप्लीट द सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक दो इम्पॉर्टेंट पंप्स है, पायरोफॉस्फेट पंप है। इसमें क्या खास बात है, देखो नॉर्मल प्रोटॉन पंप क्या करता है, ATP यूज़ करता है, पर ये क्या करता है, ये पायरोफॉस्फेट को यूज़ करता है और यहाँ से Pi+Pi बनाया जाएगा एंड द एनर्जी इज यूज। दिस फॉर्म ऑफ पंप इज कॉल्ड एज द पायरोफॉस्फेट पंप। ठीक है, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी जो बातें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर? सो टुडे इन द टुडे सेशन वी हैव डिस्कस द एंटायर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, मोस्ट वेलकम बच्चों। ठीक है, सो मिलते हैं बहुत जल्दी। टुमारो विल मीट अगेन फॉर स्टडिंग द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए जी, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल। बाय बच्चों, मोस्ट वेलकम।